What's up guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another live stream. तो सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सभी लोगों को. और आज चैट में जल्दी ओपी स्पैम हो जाना चाहिए क्योंकि मैं एकदम बहुत जल्दी लाइव आ गया हूँ. आज काफी टाइम हो गया था इस टाइम पे लाइव करे. बाकी कैसे हो सभी लोग? स्वागत है सभी लोग का स्ट्रीम पे. देखते हैं आज की स्ट्रीम पे सबसे पहले कौन आया. जितेंद्र भाई कैसे हो? सॉरी भाई नहीं बहन, जितेंद्र कौर, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम. हे व्हाट्स अप टॉक्सिन, रौनक सिंह, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम. हेलो टीजी गेमिंग, हे स्कारिन, हे गेमिंग विद नमू. What's up TG Rex Gamer, welcome to the live stream. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Minecraft Speedrun दोबारा से और देखते हैं आज कहां तक पहुंचते हैं. लास्ट टाइम फोर्ट्रेस नहीं मिल रहा था तो थोड़ा बोर होके पता नहीं मैं क्यों घास से पंगे लेने लग गया और घास ने उठा के मुझे घास ने मुझे उठा के लावा में फेंक दिया था और फिर गेम खत्म हो गया था. तो बट आज वो गलती नहीं करनी. खैर उससे पहले वाला जो स्ट्रीम था ड्रैगन वाला मोमेंट आपने देखा होगा तो मुझे बहुत लोगों ने भाई इंस्टा पे डाला कि भाई इतना बुरा हमने माइनक्राफ्ट में किसी के साथ होते नहीं देखा. मैं एंड वर्ल्ड में बाहर निकला और ड्रैगन ने उठा के सीधा नीचे फेंक दिया. खैर चलो कोई बात नहीं. आखिर जो म्यूजिक बज रहा बैकग्राउंड में काफी ज्यादा सॉफ्ट म्यूजिक है ना, एकदम प्यारा सा है. देखो सो के उठने के बाद इस म्यूजिक को सुनने का मजा ही अलग है भाई, मतलब मस्त है. खैर आज मैं सो के नहीं उठा, मेरे को उठे हुए काफी देर हो गई बट पता नहीं मेरी आंखें क्यों सोने वाली हो रही है. क्या ठीक है अभी गेम खेलेंगे, वो खुल जाएगी घास टोपी. तो डेक्टॉन भाई कह रहे सरप्राइज ओपी स्पैम कर दो. आ जाएगा सरप्राइज. अब आधा आधा करके हमारी डील हो गई है सब लोग की शायद से. अगर आपकी तरफ से भी यस है तो फिर जल्दी से करते हैं स्टार्ट. बट हाँ पहले वही सरप्राइज आएगा जिसमें आपके मजे आने वाले, टेंशन मत लो. ईगल एक्स गेमिंग वाई टी थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट मेरे भाई. बाकी जो भी स्ट्रीम पे न्यू है, मतलब जिसने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक कर दो. और जो पहली बार देख रहा है, जो अभी अभी आया है, हमें चैनल पे सब्सक्राइब कर देना. वैसे मेरे को लगता है आज काफ़ी सही नोटिफिकेशन गई है या फिर सुबह सुबह सब लोग फ्री बैठे थे अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर, इसलिए सब लोग आ गए जल्दी से. मैंने उसी टाइम पे स्टार्ट करा जब बंदों का ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाता है. मतलब काफ़ी होगा, पहले हो गया होगा बट हाँ, मतलब एवरेज ये होता है कि इस टाइम पे खत्म हो जाती है तो अपना चिल कर सकते हो. शेयर गेमर 11 टेक माय नेम प्लीज, शाउट आउट टू यू शेयर गेमर. हेलो समर दत्ता, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम. व्हाट्स अप इंडियन गेमिंग, कैसे हो मेरे भाई? बाकी यार जल्दी से एक बार वो ड्रैगन वाला मोमेंट बताओ, क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा है? मतलब यार मैं सच्ची में, मैं पता दोबारा जब देखेंगे गया तो मैं उस टाइम जब मैं ड्रैगन ने मेरे को मारा था तो मैंने स्ट्रीम स्नाइप कर रहा होगा जो कि होता है नहीं है, बट फिर भी मैं निकलने से पहले उसने मेरे को उड़ा दिया यार. बड़ा गलत सीन था. गेमर्स न्यूज 10 मिलियन सून, यस इस पे भी अगर मस्त सपोर्ट रहा तो वैसे है ही सपोर्ट यार मस्त, तो पहुंचेंगे जल्दी 10 मिलियन भी और दो दो प्ले बटन डायमंड वाले मजा आ जाएगा. आर्यन सिंह थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट. ओ थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर मेरे भाई, थैंक यू. कार्तिक मिश्रा व्हाट्स अप ब्रो, कैसे हो? हे श्रेयांश वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, लव यू टू मेरे भाई. रक्षित माथुर रोजवल भाई शाउट आउट प्लीज, बिग फैन ऑफ योर्स. रक्षित भाई शाउट आउट टू यू मेरे भाई. पॉकीमोन यूनाइट कब खेलोगे? रूपाली महाजन पॉकीमोन यूनाइट खेलेंगे. अभी तो काफी दिनों, मतलब मोबाइल गेम हमने रिसेंटली खेला था तो भी थोड़ा पीसी गेम्स खेलते हैं फिर उसके बाद दोबारा मोबाइल गेम. बाकी हाँ कल या कल नहीं परसों चैनल पे एक बहुत मस्त स्ट्रीम होने वाली है, मज़ा आ जाएगा आप लोग को. और आज भी एक BGMI की स्ट्रीम होगी, वो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे बता दूंगा कि कहाँ होगी और वो मस्त होने वाली है. नमनदीप सिंह भाई कैसे हो मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट. 7 मिलियन होने वाले हैं, यस ब्रो. तो इसी बात पे आज की स्ट्रीम पे हो जाएंगे मेरे हिसाब से. सब लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दो जो नया आया है. यार अभी जो लोग पुराने हैं जिन्होंने पहले सब्सक्राइब करा हो आप बस स्ट्रीम लाइक कर दो ताकि जो नए बंदे हैं उनको स्ट्रीम सजेस्ट हो, वो भी आके देखे, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो सीधी सी बात है सब्सक्राइब करेंगे. तो 7 मिलियन हम लोग अभी आज स्ट्रीम पे ही पहुंच जाएंगे. कितने सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए 7 मिलियन पहुंचने के लिए? वेट मैं चेक करता हूँ. हाँ इस टाइम पे हमारे करंट सब्सक्राइबर्स चल रहे हैं, वेट चैनल ही नहीं खोल रखा मैंने इस तरफ. इस समय हमारे सब्सक्राइबर्स चल रहे हैं, ओ हमें सिर्फ और सिर्फ 12,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए. नहीं 2,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, सॉरी 2,000 भी नहीं, 1,569 सब्सक्राइबर्स चाहिए और हो जाएंगे, जो कि मेरे को ऐसा लगता है आज के अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में. और मस्त एकदम 7 मिलियन की पार्टी हो जाएगी चैट में छोटी सी. उजल भाई प्लीज शाउट आउट टू आर्यन एंड वंश भाई, दोनों को शाउट आउट आर्यन एंड वंश. दिव्यांश भाई व्हाट्स अप कैसे हो, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. मेरे दोस्तों पार्थ को और दिव्यांश को शाउट आउट. दिव्यांश एंड पार्थ शाउट आउट टू भाई. टीजी डेविल गेमिंग वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम ब्रो. देविकास बुटीक
प्लीज एक बार आप अपने ऑडियंस को मेरा चैनल चेकआउट करने के लिए बोलिए समयुग एडिट्स, आई पोस्ट एनिमे एडिट्स। ब्रो गाइस एक बार सच्ची में जाकर, अगर एनिमे ही का कर रहे हो तो भाई मैं करूंगा, वरना मैं सच्ची में प्रमोशन नहीं करता। बट हाँ, ऐसा अगर आप कुछ कर रहे हो तो भाई शाउट आउट टू यू एक बारी भाई का। जो लोग एनिमे फैंस है स्पेशली, क्योंकि और कोई जाएगा तो कहेगा भाई छी क्या कर रहा है, तो जो लोग एनिमे देखते हैं प्लीज वही लोग जाना, क्योंकि एनिमे अलग होता है कार्टून अलग होता है। बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती स्पेशली इंडिया में, उसे कार्टून गिन लेते यार एनिमे को। एनिमे कार्टून नहीं होता भाई, कार्टून अलग है, एनिमे अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब जो चीज़ स्टूडियो क्या वो कार्टून होगी क्या? तो समयुग एडिट्स भाई के चैनल का नाम है, चेकआउट करना जो एनिमे फैंस है। वैदिक ओझा भाई कैसे हो, वेलकम टू लेशन। बाकी यार मैं यही कहूँगा देविकास बुटीक, आप कंटेंट पे ही फोकस करो, ऐसे मतलब सुपर चैट करके ऐसे ऑडियंस मतलब आ भी जाएगी तो वो फिर आपके फैन नहीं बनेंगे या फिर आपको आपके काम से नहीं जानेंगे, वो मेरी वजह से जानेंगे। तो मैं इसीलिए चाह रहा हूँ आपको आपके काम की वजह से लोग जाने, तो इसीलिए आप वो उस पर ज़्यादा फोकस करो। टुडे इज माय बर्थडे, वेट 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 चैट ऊपर भाग रहा है, वेट वेट। अंशु भाई थैंक, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, सब लोग एक बार अंशु भाई को हैप्पी बर्थडे विश कर दो। और फेक वाला हुआ तो लेकिन कोई बात नहीं, उस दिन का मान लेना जिस दिन आपका बर्थडे आता है, कभी ना कभी तो आता ही होगा साल में। हेलो चलो भाई, GTA 5 में कुछ मोड्स खेलो प्लीज। यस ब्रो खेलेंगे, बट लाइव वगैरह पे नहीं, देखते हैं अभी तो। खैर वीडियो पे काम चल रहा है, आएगी वीडियो थोड़े दिनों में। हर्षित गेमिंग स्क्वाड कैसे हो ब्रो, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। भाई मेरे क्लास तो चल रहे हैं, ओके, पर भाई पहले क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रीम पीछे होके भी चल जाएगी, क्लास पीछे नहीं होगी। ले लो भाई क्लास यार, पता चला स्ट्रीम के चक्कर में। वहाँ भी ये वाला क्वेश्चन कैसे नहीं याद करा, ये नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत एक्टिव हो गए एक्स डिश भाई, मैं कल भी लाइव आ रहा था सात्विक भाई, बट आज वाली वीडियो आपने देखी होगी काफ़ी मज़ेदार थी, तो वो मैं गेम खेलने लग गया था, फिर काफ़ी मज़ा आया उस गेम में। उम्मीद है आप लोग को भी वीडियो अच्छी लगी। चैट में बताओ आज मैंने कौन सी गेम खेली थी, देखते कितने लोगों को याद है। पता है मैं उस गेम को पूरा खेल गया और फिर ना उस गेम का नाम ही पता नहीं क्या, अच्छा नाम है बट मैं पता नहीं क्यों भूल जा रहा था बार बार ही उस गेम का नाम। अभी तो मेरे को याद है गेम का नाम, आप जिन्होंने वीडियो देखा वो बताएंगे भाई, चैट में बताओ जल्दी से। GTA ऑनलाइन खेलो, यस ब्रो खेलेंगे बट अभी नहीं, अभी अपने पास बहुत सारी अलग अलग गेम्स है खेलने के लिए, सिर्फ GTA ही नहीं। GTA का अपना एक सीरीज चल रहा है, चलने दो मस्त। द गेमिंग लैंड भाई एक बार ये शॉर्ट आउट दे दो, माई नेम इज शरण, शरण भाई शॉर्ट आउट टू यू। व्हाट्सअप अखिल कुमार वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। भाई एक बंदे को यहाँ गेम का नाम नहीं याद, या तो तुमने वीडियो नहीं देखी या तुम्हें गेम का नाम भूल गए, मेरे को लग रहा है वीडियो नहीं देखी क्योंकि याद होता अगर देखे थे। रेन सिम्युलेटर खेलो रविंद्र भाई, रेन सिम्युलेटर पक्का खेलूंगा यार, मैं 3-4 दिनों से बोलता आ रहा हूँ बट मैं खेल नहीं रहा, मुझे भी मालूम है। कल मैं सोच रहा था रेंज खेलूँ बट मेरे को उसमें कुछ समझ ही नहीं आया, मैं अभी बहुत सारे उसमें बिजनेस आ रहे हैं मेरे दिमाग में बट उसे करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो अच्छे से करेंगे स्टार्ट। ब्रो व्हाट ऐप डू यूज फॉर थंबनेल, बाय द वे बिग फैन। ब्रो देखो पहले तो मैं मोबाइल से बनाता था बहुत टाइम, मेरा चैनल समझ लो आप कह सकते हो 4 मिलियन तक मैंने मोबाइल से ही थंबनेल बनाया, क्योंकि उस टाइम पे अच्छा पीसी नहीं था, बट जैसे ही 1 मिलियन हुए तो अच्छा पीसी आ गया था, ठीक ठाक पीसी आ गया था जिसमें अच्छे सॉफ्टवेयर चल जाते हैं, बट आदत फ़ोन की थी तो आदत को पीसी पे शिफ्ट करने में टाइम लगा। तो हाँ पहले पहले ऐप से करता था मोबाइल की, अब फोटोशॉप से। भाई माइनक्राफ्ट 20 मिलियन सरप्राइज कब आएगा, आर्यन सिंह आएगा भाई जल्दी आएगा, टेंशन मत लो, बट अब 2 टुकड़ों में आएगा आधा आधा करके। समर दत्ता थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट ब्रो, देखते हैं चैट में किसी ने गेम का नाम भेजा या नहीं। सुपरलैंड 6 inches अंडर, यस करेक्ट, अभी बेचा है बंदों ने, सुपरलैंड ही कहेंगे यार इस गेम को, इतना बड़ा अजीब ही नाम है। और स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, हम लोग एक प्लम्बर हैं, रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं, ब्लू और रेड वालों की फाइट चल रही है, काफ़ी अजीब सी कहानी थी बट हाँ एस्केप करने में बहुत मज़ा आया। सबसे अच्छा पार्ट मेरे को पता कौन सा लगा था, जैसे मैच स्टिक उठानी थी और फिर वहाँ से जलानी थी, उसको जला के कार्डबोर्ड जलाने थे, और वो चीज़ मैंने काफ़ी जल्दी पकड़ ली थी उस गेम की, वरना तो भाई पता नहीं कितना, अगर वो डब्बी पे मैं ध्यान नहीं देता तो मैं पता नहीं उसी जगह पे घूमते रहता, हमको पता भी नहीं चलता कि कार्डबोर्ड जल भी सकता है, ऐसा कुछ हो भी सकता है। वो तो सही है, मैंने आग भी देखी और डंडे माचिस की तिल्ले भी देखी और फिर अपना काम हो गया। ऋषभ अग्रवाल शाउट आउट टू मेरे भाई। कनिष गुप्ता वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। व्हाट्सअप DTL गेमिंग कैसे हो मेरे भाई। बादाम गेमिंग वीडियो देखना देखा लेकिन आपने नहीं बताया ये, अच्छा अच्छा आपने मतलब सुपरलैंड 6 inches वाला वीडियो, मैंने गेम का नाम नहीं बताया, नहीं 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 मैंने तो गेम का नाम बताया, नहीं नहीं ब्रो बादाम गेमिंग मैं सोच ही रहा हूँ माइंड में बट मैंने नेम बताया जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा हो ही नहीं सकता यार।
अगर नहीं भी बताया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। हाँ नहीं, गेम तो मैंने बताया था यार। 47 शौर्य गोयल, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर। बाकी हाँ, यूट्यूब का जो वो एक पार्ट आता है ना जहाँ पर नीचे दिखता है कौन सा गेम खेला गया है, वो नहीं दिखेगा क्योंकि ये गेम अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मतलब मेरे हिसाब से एक वीक ही हुआ होगा इसको। मैं भी ऐसे देख रहा था नई नई गेम्स कौन सी आ रही है, तभी मेरे को ये दिखा और मैंने डाउनलोड करके खेल दिया। बस मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये फोटो से ही, मेरे को लगा कुछ यूनिक कुछ अलग है, और था भी, उससे ऊपर ही था एक्सपेक्टेशन से। प्रो गेमिंग वर्सेस ब्रो, यू आर बेस्ट गेमर इन द वर्ल्ड, आई एम बिगेस्ट फैन। अरे भाई 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 भाई, लव यू मेरे भाई, प्रो गेमिंग थैंक यू सो मच। मोहम्मद खुर्शीद आलम, वुड यू लाइक प्लीज एक शाउट आउट टू वाजिद, वाजिद भाई शाउट आउट टू यू। आई पोस्ट नेरूटो एंड डीप, ओ भाई हाँ नेरूटो से याद आया, वो कैसे भागा था हमारे आगे आज वाली वीडियो में नेरूटो की तरह हाथ पीछे करके भागते ना नेरूटो वो बड़ा अजीब लगता है यार, मतलब नेरूटो पे ही अच्छा लगता है बस वो, और कोई करे तो बड़ा अजीब लगता है। भाई कह रहा हूँ आई पोस्ट नेरूटो एंड डीवीज़ेड एडिट, थैंक यू। आर यू और हीरो बनने सिंपी का? यस ब्रो, हीरो बनने सिंपी जल्दी ही स्टार्ट होगा, बाकी कीप इट अप मेरे भाई। स्लो गेमर थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। व्हाट्सअप साहिल एसके, स्वागत है भाई आपका भी लाइव स्ट्रीम पे। विशु नाम पे शाउट आउट दे दो, और जी टी 5 का वीडियो कब आएगा? विशु भाई शाउट आउट टू यू, एंड जी टी 5 का वीडियो आएगा 3-4 दिन मैंने बोला हुआ, तो अभी भी कह सकता हूँ 3 दिन, ठीक है, अभी जल्दी नहीं कह सकता। एग्जैक्ट डेट दे दूंगा तो शायद दिक्कत ना हो जाए, मतलब ये ना हो कि मैंने डेट दे दी बट उस डेट पे आ नहीं रहा, और हमेशा ऐसे होता है मेरे साथ। बाकी यार काफी सारे लोग स्ट्रीम पे आ चुके हैं, मेरे को लग रहा है कि अभी हमें स्पीड रन स्टार्ट करना चाहिए। बट उससे पहले जिसने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं करा लाइक कर दो, क्योंकि मुझे मालूम है स्पीड रनिंग वाली स्टार्ट हो गया तो मैं फुल गेम पे ध्यान चले जाऊंगा, चैट अच्छे से रीड नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अब मैं शुरुआत की स्ट्रीम पे पूरा टाइम निकालता हूँ अच्छे से बात करने में। गेमर्स न्यूज़ भाई, रस्ट का क्या हुआ? रस्ट यार करनी है उसका सेकंड एपिसोड, जल्दी ही बनाएंगे। क्या है कि और कुछ नए खिलाड़ी आएंगे उसमें भी, लास्ट टाइम तो भवंडर था हमारे पास, बट देखते हैं, मस्त होने वाला है, लास्ट टाइम की तरह ही होगा या फिर उससे लास्ट टाइम की तरह क्यों होगा भाई, इस बार और तगड़ा होने वाला है। वही यार, थोड़ा सा ना सोचते हैं करने करने करने, फिर उसके बाद ध्यान से ही निकल जाता है, ये हो रहा है। मन है फुल बनाने का, सब करने का, ध्यान से पता नहीं क्यों उतर जाता है। जैसे अभी याद आया, अभी जाके बात करेंगे, हाँ भाई ये होगा ऐसे करेंगे, मजा आएगा, चलो स्टार्ट, फिर उसके बाद करेंगे चलो यार अभी कल करते हैं, अभी फ्रेश होकर, फिर उसके बाद ध्यान ही नहीं आता, ऐसा हो रहा है। BGMI वीडियो ब्रो, माय नेम इज धीरज, धीरज भाई शॉर्ट आउट टू यू, एंड करेंगे BGMI भी। आइस बर्न गेमर कैसे हो भाई, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। व्हाट्सअप मनीष, हे रोहित, हे आकाश जी, राजूकर वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। 59 शुभम रमेश वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। व्हाट्सअप विनय, चलते हैं यार गेम को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। जेड जायरो कैसे हो भाई, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। चलो चलो चलो, बहुत बातचीत हो गई, स्टार्ट कर दिया जाए भाई। 40,000 लाइक्स हो गए, लेट्स गो, अभी स्ट्रीम स्टार्ट ही हुआ है, 36,000 लोग देख रहे हैं और 40,000 लाइक है, वाओ। भाई बंदे पकड़ लेंगे, झोल क्या कर रहे हैं, इतने कम बंदे देख रहे, इतने ज्यादा लाइक कर दो कर दो कर दो, लाइक कर दो, इसके ऐसी की तैसी देखी जाएगी। फटाफट से लाइक का बटन दबा के चैनल को, चैनल को लाइक कर दो, वीडियो स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी हम लोग 7 मिलियन हो गए भाई, हो गए, थैंक यू सो मच गाइस, हो गए 7 मिलियन। एक बार 7 मिलियन ओपी भाई मैं स्पैम करूंगा, आप लोग करो चाहे ना करो भाई, मैं तो करूंगा, कैप से मैं करूंगा पूरा। लो भाई, चलो भाई लेट्स गो गाइस, मजा आ गया, 7 मिलियन हो गए और जल्दी 10 मिलियन भी पहुंचेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस आर गेमर 96, 7 मिलियन हो गए, मेरे को लग ही रहा था ज्यादा बचे नहीं थे, और आपने अभी कर डाले भाई, पक्का भाई बहनों का फोन छीन छीन के करा है, मेरे को पता चल रहा है भाई। 36,000 लोग है, 36,000 में से कोई ना कोई तो 1,500 बंदे हैं जिन्होंने घर के दूसरे वाले फोन उठाए, इधर लाओ भाई मेरे को दो, लाइक करनी है वो सब्सक्राइब करना है एक बंदे का चैनल, ठीक है भाई ठीक है, पता चला अभी बंदे अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं फिर वो उसी फोन से, ऐसा मत करना यार, अब हो गए अब नहीं मानेंगे, अब 7 मिलियन से कम नहीं जाने चाहिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसी बात पे फटाफट से स्ट्रीम को, मतलब स्ट्रीम तो स्टार्ट ही है, फटाफट से गेम को भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्पीड रन कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत लंबा टाइम जा सकता है, हो सकता है बीच में लावा में गिर के मर जाए लास्ट टाइम की तरह, या फिर फोर्ट्रेस ना मिले, या फिर ब्लू बायोम ना मिले, बहुत ज़्यादा झमेला होता है, तो इसीलिए जल्दी से हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम खराब करेंगे उतना ही वेस्ट है। रन सिम्युलेटर का वीडियो कृष्ण भाई मैंने भी बताया था, रन सिम्युलेटर का वीडियो करते हैं जल्दी करते हैं, एंड थैंक यू सो मच यार आप सभी के सपोर्ट के लिए, अभी बोला ही था जस्ट और आपने तुरंत पहुंचा भी दिया भाई 7 मिलियन, मतलब मस्त यार, थैंक यू गाइस। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, आज 7 मिलियन हुए तो एक मस्त स्ट्रीम बनती है, काश स्पीड रन कंप्लीट हो जाए पूरा, बट
हाँ स्पीड रन तो तभी कंप्लीट होगा, थोड़ा बहुत लक पे भी डिपेंड करता है कि यार चीजें मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। फिलहाल अभी साउंड बंद करते हैं और जल्दी से चलते हैं गेम को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है और अभी ओ एक सेकेंड स्क्रीन तो शेयर ही नहीं करी, वेट। हाँ भाई मेरा नाम लो प्लीज, दिव्यांश गोरना, शाउट आउट टू यू मेरे भाई, यू आर माई गुरु जी। अरे अरे भाई भाई थैंक यू भाई, लव यू, शाउट आउट टू यू जस्ट गेमिंग। मैं कोशिश करता हूँ जो नॉर्मल चैट है वो भी रीड करूँ, बट क्या है स्पीड बहुत तेज रहती है, तो कभी बार क्या होता है नाम ऐसे पढ़ लेता हूँ, नाम किसी और का पढ़ लेता हूँ, चैट किसी और की पढ़ लेता हूँ, तो वो होते रहता कभी कभार, तो उसके लिए रियली सॉरी यार, कई बार ही हो चुका है। आज वाली स्ट्रीम पे भी शायद मैंने दो तीन बार कर दिया कि ऐसे पढ़ दिया करणदीप सिंह और उसने लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे, बट मैं रीड करके ब्रो 7 मिलियन हो गए है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलता भाई चलता है, लेट्स गो अभी जल्दी से। हाँ मैं वेट स्क्रीन स्विच कर लूँ पहले, लेट्स गो। ये आ चुके हम लोग गेम में, बस ब्लैक स्क्रीन ना जाए यार, जाती ही है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब गेम मिनिमाइज होता है ना तो ये ब्लैक हो जाती है, अगर मैं छोटा करके करूँ तो, छोटे करने पे शायद नहीं होती। ठीक है अगली बार से छोटा करके करेंगे। गेम साउंड नहीं आ रहा क्या, वेट गेम साउंड क्यों नहीं आ रहा, मैंने आज ऑडियो में तो कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करी, गेम साउंड नहीं आ रहा मेरे को। हेलो वेट 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 वेट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है छोटा सा, कई बार गेम गाइस मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों गेम साउंड नहीं जा रहा है। रुक जाओ गेम साउंड किस लिए नहीं आ रहा भाई, यहाँ से तो ऑडियो फुल है, मेरे को सारा साउंड आ रहा है म्यूजिक वगैरह का, बट गेम साउंड नहीं आ रहा सिर्फ, शायद मैंने यहाँ से एक म्यूजिक बंद करा है इसलिए क्या। वेट एक बारी और ट्राई करते हैं, एक चीज़ मैंने ऑफ करी थी जिससे स्ट्रीम पे डबल डबल साउंड जा रहा था, तो भी कोई बारी देखना पड़ेगा। जब तक तो कोई नहीं चैट करते हम लोग, ओ तेरी 50,000 लोग आ गए स्ट्रीम पे, लेट्स गो भाई, मुझे आपके तरह यूट्यूबर बनना है, कुछ टिप्स से दो। द गेमर्स टेक भाई, टिप्स यही है कि रेगुलर वीडियोस डालते रहो और ये मत देखो कि भाई कितने व्यूज आ रहे हैं, नहीं मैं तो देखना जरूरी है ये भी, बट ये जानो कि जो आपने वीडियो बनाई है वो लोगों को इतनी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तो उस टाइप की और वीडियो बनाओ, ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही चुनो जैसे इस टाइम पे जो आपको अच्छा भी लगता है, माइनक्राफ्ट हो गया, GTA 5 हो गया, फ्री फायर हो गया, और GTA 5 रोब्लॉक्स हो गया, और भी कुछ गेम्स हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो, फ्री फायर हो गया, ये सब खेलो, कुछ नया कुछ बढ़िया कंटेंट बनाने का ट्राई करो और रेगुलर डालो यार, क्योंकि उससे आप भी अपने कंटेंट को साथ के साथ इंप्रूव करते रहोगे। और ऐसा मतलब कि जबरदस्त, एक सेकेंड मेरा साउंड यार यहीं से बंद है, मिक्सर से कुछ साउंड ऑन करना पड़ेगा यार, यहाँ से साउंड का दिक्कत क्यों आ रहा है, वेट अभी शायद से आपको एकदम मस्त साउंड आएगा। ओह वेट यहाँ से था, चलो हो गया, आ गया आ गया आ गया भाई साउंड आ गया, आप लोग को भी सुनाई दे गया होगा। जल्दी से चलता हूँ, स्क्रीन मूव करते हैं, ये बात चलो भाई। भाई इसका डायमंड प्ले बटन की अनबॉक्सिंग तो कर देना, यस अभी मैंने अपने पहले वाले डायमंड प्ले बटन की अनबॉक्सिंग ही नहीं करी है, कोई नहीं। अभी इतना लैगी सा क्यों हो रहा है वाला सीड, थोड़े चंक कम कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो अभी ठीक ठाक जगह मिली है, एक बार चेक कर लेता हूँ आसपास विलेज है या फिर नहीं, बाकी यार हमें विलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस खेलने से मतलब है, क्योंकि मेरा मन तो है विलेज मिल जाए, बट यार लास्ट टाइम भी कितनी सारी चीजें हमने क्रिएट, कितनी सीट क्रिएट करी थी, बट एक बार भी ना विलेज नहीं मिला था, तो मैं दोबारा उसमें टाइम फूकने की बजाय स्टार्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि वो ना लक पे डिपेंड होता है कि विलेज मिलता है या नहीं मिलता, अगर आसपास हुआ तो अभी भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PRS लाइव, जॉब लाइफ गेमिंग करना मुश्किल हो रहा है, एनी सजेशन जॉब लाइफ गेमिंग? यार देखो ये है तो हाँ, हम लोग एक बार में एक ही जगह फोकस करते हैं, और अगर जैसे जॉब से आते भी तो वैसे मैंने ऐसा कभी करा नहीं है, बट हाँ मैंने इंस्टीट्यूट के साथ करा है कि मेरा इंस्टीट्यूट होता था, बट हाँ इंस्टीट्यूट कम टाइम करा था, वो जल्दी फ्री हो जाते हैं वहाँ से, है तो थोड़ा हार्ड, बट आपको टाइम मैनेज करना होगा खुद से, मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन आकर जैसे अपनी जॉब से आके एक दिन ऐसे वीडियो बना लो एंड नेक्स्ट डे आप उसे एडिट कर सकते हो, तो मतलब दो दिन का एक वीडियो भी डाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है डेली डालना है, बट हाँ कंसिस्टेंट रहना है, अगर आप वीकली 3 डाल रहे हो तो 3 डालो कुछ इस टाइप से, और मतलब ऐसा मत देखना कि भाई एक वीडियो बना दी अब बस उसे शेयर करने में लगे उस पर व्यूज आ जाए वो, क्या ठीक है अभी हमने यहाँ से काफ़ी सारे
वुड लॉक्स कलेक्ट कर लिए हैं, इससे बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल। और आज ज़्यादा देर नहीं करना, फटाफट से सब कुछ करते जाना है भाई। यहाँ पर स्टिक्स बना लेता हूँ थोड़ी सी, थोड़ी सी क्या, खूब सारी बना ली मैंने। और यहाँ पर बना लेते हैं एक पिकैक्स और एक एक्स। स्वॉर्ड में सीधा आयरन की बनाऊंगा हमेशा की तरह। फिलहाल इसको तोड़ते हैं। फूड इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम यार फूड की कमी हो गई थी ना जब हम लोग नेदर गए थे, बट हम वहाँ जाके वैसे भी हम लोग मर ही गए थे घास से, लेकिन फिर यार फूड होता है तो काफी ज्यादा बढ़िया रहता है। अंश भारद्वाज प्लीज शाउट आउट, अंश भारद्वाज, अंशिका भारद्वाज, दोनों को शाउट आउट गाइस। इसको मारूंगा पहले, भले ही फूड ना मिले बट मैं मारूंगा, कोई नहीं तू भी मर। चलो बेड का जुगाड़ हो गया अपने पास। नीचे से मुझे जॉम्बी की आवाज आई और शायद यहाँ पे एक केव है और इस केव से मुझे आयरन मिल सकता है। बट आयरन से पहले मैं थोड़ा सा स्टोन होता है, स्टोन इकट्ठा कर लेते हैं। फर्नेस बनाना है, देन मेरे को दूसरा फर्नेस बनाना है, उसमें कोल डाल के स्मेल्टिंग करनी है थोड़ी बहुत। तो जल्दी से इसको तोड़ लेता हूँ। एक स्टोन का पिकेक्स बनाना पड़ेगा तभी मैं आयरन माइन कर पाऊंगा, क्योंकि अभी पूरा आयरन का आर्मर बनाए बिना मैं नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर यार थोड़ा खतरा होता है नेदर में। लेट्स गो, आयरन बन जाएगा। सोनाली नायक वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, व्हाट्सअप तुरंत सैनी, स्वागत है भाई आपका भी स्ट्रीम पे। तो अभी जल्दी से काम करते हैं, अपना सेटअप यहीं पर लगाते हैं। क्राफ्टिंग टेबल रख देता हूँ क्राफ्टिंग कोने पे। अंदर से कोई तो ज़ॉम्बी है, ठीक है, ये ऊपर आ ही नहीं पाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो मेरे को बनानी है एक पिकैक्स जो कि बन गई समझ लो। अब मुझे बनानी है एक फर्नेस, ये भी बन गया समझ लो। फर्नेस को बना के रख देते हैं यहाँ पे, इसमें डाल देते हैं कोल। अब मेरे को थोड़ा सा ना आयरन ढूंढ, थोड़ा क्या, खूब सारा आयरन ढूंढ के लाना है, बट जब तक आयरन नहीं है फूड कुक करने के लिए रख देता हूँ। और कोल इकट्ठा कर लेता हूँ, एक बारी कोल हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा अपना। इसको भी तोड़ो, लेट्स गो, कोल इकट्ठा हो चुका है। कोल इसके अंदर डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास रहेगा तो इतनी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से फूड इकट्ठा, मतलब फूड खा लेते हैं। और अभी इस ज़ॉम्बी को मुझे पीटना होगा। क्रिटिकल कैसे नहीं लग रहा इसके, लेट्स गो। तो इसको मैंने मार दिया और मुझे यहाँ पर आयरन मिल चुका है। और मेरे को ना यार एक टॉर्च बनाना होगा, वेट, वरना आपको स्ट्रीम पे कुछ नजर नहीं आएगा। मेरे पीसी का इतना ज़्यादा ब्राइटनेस है, मुझे खुद इतना कम नज़र आ रहा है। लेट्स गो, यहाँ से ये बनना कोल, ये बनी टॉर्च, इसको रखा यहाँ, इसको रखा यहाँ, सॉरी ये बन गई टॉर्च, इसको ले लेते हैं हाथ में यूं। बैट कहाँ चेप हो रहा है मेरे, लेट्स गो। मेरे पास 1 2 3 4 ओए यहाँ ज़्यादा आयरन है, मेरे को लगता है बस 5 आयरन होगा, बट यहाँ पर तो बहुत सारा आयरन है। बकेट एंड एक आध कोई भी आर्मर का पीस मैं बना सकता हूँ अभी। सारा नेग्यासी थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट, लेट्स गो। ढेर सारा आयरन इकट्ठा हो गया है, यहाँ पर कोल भी है, इसे भी ले लेते हैं। आरजे रॉक व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। एक तो कोल मेरे हिसाब से अभी काफी रहेगा इतना, या फिर आयरन की, ओए नहीं, सबसे पहले मेको आयरन की पिकेक्स बनानी चाहिए ना, तो इतने इतने माइन कर पाऊंगा। और ये देखो आयरन की पिकेक्स की बात कर ही रहा था और यहाँ पर तो खूब सारा आयरन है। लेट्स गो, ठीक है, ऊपर है क्या, कभी कभार ऊपर भी आयरन होता है बट हमारी नजरों में नहीं आता और मिस हो जाता है। कैरी वाली केव उतनी भी बड़ी नहीं है जितनी मैं से सोच रहा था, छोटी है काफी। इसे तोड़ के स्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ, एक फर्नेस और रहेगा तो एक में फूड स्मेल्ट करूंगा और एक में आयरन स्मेल्ट करूंगा, जो कि काफी ज्यादा बेटर रहता है। लेट्स गो, यहाँ से ढेर सारा मेरे पास स्टोन इकट्ठा हो चुका है। फटाफट से एक और फर्नेस क्राफ्ट कर लेता हूँ, देन मैं इस फर्नेस को रखने वाला हूँ इसके ऊपर, नहीं इसके बगल में यूं, एंड इसके अंदर भी डालते हैं कोल और डाल देता हूँ आयरन स्मेल्ट होने के लिए। आधा आयरन निकाल के इसमें डाल देता हूँ, ये गया, और फूड रख लेता हूँ अपने पास। अब मेरे को ना एक स्टोन एक्स बना लेना चाहिए, या फिर नहीं स्टोन का क्या करेंगे बना के, खैर आयरन लेकर ही आता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। या 3 आयरन बन जाए तो मैं वाटर बकेट लेकर चलता हूँ, क्योंकि यार वाटर बकेट बहुत यूज़फुल आइटम है, कह सकते हो सबसे ज़्यादा यूज़फुल आइटम है माइनक्राफ्ट का। लो 3 हो गए आयरन और ये बन गई बकेट। बकेट हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए क्योंकि सामने पानी भी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीन हो जाएगा। लेट्स गो, यहाँ से गए अंदर और ये इकट्ठा कर लिया पानी। अब मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्लाइंबिंग के लिए मुझे ब्लॉक्स नहीं लगाने होंगे। बाय चांस क्रीपर आता है और कोई भागने की जगह नहीं मिली तो मैं अपने ऊपर पानी डाल दूंगा और क्रीपर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। खैर बिगाड़ तो ये अभी भी नहीं पाएगा, रुक जाओ, उसके मुंह पे एक एक्स पड़ेगी, वो भी क्रिटिकल वाली। इधर आवे, ये गिर ले, ओ फट गया, बट मेरे को कुछ नहीं हुआ, 2 कोवल स्टोन और मिले हैं। चलो ओए ये सामने आयरन था, मैंने इसे तोड़ा, मैं लेके नहीं गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, मैंने सच्ची में ध्यान नहीं दिया इस पे। वेट वेट वेट, चैट ने तो ध्यान दिया होगा पक्का, देखता हूँ कोई लिख रहा है। नो गेम साउंड, क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही पॉसिबल ही नहीं है, जिंदा आ रहा है, पूरा गेम साउंड आ रहा है भाई। मैं अभी यहाँ से नीचे चलता, ओ भाई यहाँ पर और आयरन है यार। ये केव ना छोटी है, बंद है यहीं पर, बट इसमें आयरन मुझे खूब सारा मिल गया भाई, बहुत आयरन था इसमें, हद से ज़्यादा आयरन था यार इतनी छोटी सी केव में। खैर अभी यहाँ से मुझे निकलना होगा, दूसरी केव ढूंढनी होगी, या फिर मैं यहीं से डिग डाउन करके नीचे जाऊँ,
क्योंकि हो सकता है नीचे मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए, बट यहाँ से अभी मेरे को एक आयरन का स्वॉर्ड बनाना है, ये बन गया स्वॉर्ड, अभी मुझे आयरन का एक पिकैक्स बना लेना चाहिए, नहीं पिकैक्स क्यों, एक्स बनाना है, एक्स बन गया। छः से मैं पैंट बना सकता हूँ, बट पैंट से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं नहीं पैंट से इंपॉर्टेंट यार, एक सेकेंड रुको, मैंने ये क्यों नहीं बनाया, ये भी ज़रूरी है अपनी पिकैक्स, तो ये बन गई पिकैक्स, स्टोन वाली हटाओ, इस वाली को फेंको, ये भी अब किसी काम का नहीं रहा, वाटर बकेट यहीं पर रहने देते हैं, और सारा सामान साइड रखो भाई, लेट्स गो, ताकि इस पर ध्यान रहे, ब्लॉक सारे, ओए इतना सारा आयरन अभी और लाया था मैं तो, इसको रख देता हूँ इसमें। चलो अभी जब तक ये स्मेल्ट हो रहा है तब तक एक शवल क्राफ्ट कर लूँ क्या, शवल भी ज़रूरी है यार, रुक जाओ शवल क्राफ्ट कर लेते हैं, हर चीज़ ही ज़रूरी है वैसे तो, तो शवल भी लगे हाथ बना ली है, ये होगी शवल, बस इससे थोड़ा बहुत डर्ट इकट्ठी कर लेता हूँ, बाद में काम आ सकती है, और डर्ट की जगह मैं क्यों ना ग्रेवल तोड़ूँ, ग्रेवल से मेरे को फ्लिंट मिल जाएगा, और फ्लिंट आगे काम आने वाला है वैसे भी बहुत ज़्यादा, बट यहाँ अंदर फ्लिंट था भी, पूरा एरिया घूम के तो आया था, मुझे फ्लिंट मिला नहीं था, यहीं से डिग डाउन करके नीचे चलते हैं यार, मेरे को लग रहा है यहाँ पर नीचे कोई ना कोई तो अच्छी जगह होगी, डर्ट जहाँ होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ तो रहता है अलग, तोड़ के चलता हूँ मेरे को यहाँ पे, एक दो तीन कुछ नहीं था, यहीं से सीधा नीचे चलते हैं अभी, क्या पता मुझे कोई ना कोई मस्त माइन मिल जाए, माइन छोड़ो आयरन मिल गया, वेट वेट ये वाला तोड़ो, वैसे लावा से डरने की जरूरत नहीं है, लावा होता है आवाज़ आ जाती है, एक दो तीन, चलो आज हम लोग काफ़ी तेज स्पीड में काम कर रहे हैं, वेट 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 सब ओके है, बट मैं अपने साथ ज़्यादा फूड लेके नहीं चल रहा हूँ, ये 5 फूड से कुछ नहीं होने वाला, मुझे फूड अभी बाहर जाके इनको मारना पड़ेगा, अभी ज़ॉम्बीज कह रहा हूँ, मॉब्स एनिमल्स को, ताकि मैं थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा कर पाऊँ अच्छा खासा, तभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी ओ ग्रेवल आया शायद, नहीं ग्रेवल नहीं था, नॉर्मल स्टोन है, अभी डिग करता हुआ खाली बिली नीचे जाता जा रहा हूँ, बट अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है, लेट्स गो कुछ तो मिल जा भाई, खाली बिली नीचे भाग रहा हूँ। संदीप सिंह भाई कैसे हो, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, व्हाट्सअप नॉट एफएफ गेमिंग, ए योग संधु स्वागत है भाई आपका, युग संधु सॉरी, प्लीज भाई शाउट आउट टू एनएक्सटी टेक्नो गेमर वीडियो, एनएक्सटी टेक्नो गेमर वीडियो शाउट आउट टू यू। एक तो अबे यार एक ग्रेवल नहीं मिली, ऊपर से इतना घटा करने के बाद एक माइन नहीं आई, सबसे ज्यादा दुख, ओ लावा 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 है नीचे, मेरे को साउंड आ गया, साउंड आ चुका है मेरे को, नीचे लावा है, लेफ्ट में या राइट में है, ओ ये रहा लावा भाई, चलो मस्त चीज मिल गई गाइस, अभी अपना काम समझ लो हो गया, अपना मस्त काम हो चुका है, मेरे को इस लावा के थ्रू पोर्टल बना लेना है, अभी पोर्टल बना के कोई फायदा है क्योंकि मेरे पास आयरन आर्मर नहीं है, एक काम करते हैं लगे हाथी ना मैं आयरन, ओए एक मिनट रुको, पहले ना ये वाला ब्लॉक कवर करना होगा क्योंकि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो यहीं से पानी डाल के जाऊंगा, अगर मैंने पानी डाला तो पानी जाएगा लावा पूल में और लावा पूल का नाश पिट जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, बाकी यहाँ पर भी मुझे जगह मिल चुकी है लावा पूल में उतरने के लिए, इसको तोड़ के साइड हो जाता हूँ, यहाँ से जंप मार देता हूँ इधर, और अभी मुझे यहाँ से आगे उतर के लैंड होना नीचे, लावा पूल का एक्सेस मिल जाए, और वहाँ से हो सकता है मुझे डायमंड्स भी मिल जाए, भाई लावा पूल या तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है या फिर मेरे को कोई बेस अच्छा मिल नहीं रहा है उतरने के लिए, वेट कोई डायमंड है आसपास, नहीं उसको तोड़ देता हूँ पहले, 1 2 एक बार पोर्टल बन जाए ना फिर मैं सारा लावा पूल हटा दूंगा, पोर्टल का जरूरत है अभी मेरे को मेनली, 2 3 ये वाला ब्लॉक थोड़ा धीरे टूटता है यार स्टोन के अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो, वेट एक ब्लॉक और आगे जाना है, ये मैं आ गया अभी एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर आसपास खैर डायमंड तो नहीं है, इतनी अच्छी किस्मत अपनी है कभी नहीं होती कि डायमंड हमें मिल जाए, खैर अभी काम करता हूँ मैं ना पोर्टल बना ही डालता हूँ क्योंकि अब यहाँ तक आए हैं तो पोर्टल बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, वैसे अगर हल्का सा भी लावा टच हुआ ना मैं इतना बुरा मरूँ, वो क्यों मरूँगा पानी डाल लूँगा ना अपने ऊपर, बट हाँ अगर पानी गलती से अगर गायब हुआ किसी तरीके से क्योंकि ग्लिच आजकल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभार तो वो चीज़ हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, खैर एक काम करता हूँ बीच में हरकत करने की बजाय ना मैं कोने में चल लेता हूँ ताकि मेरे पास एक सेफ पॉइंट तो रहे एटलीस्ट, यहाँ पर ये वाला ब्लॉक तोड़ देते हैं अभी परफेक्ट है, आगे चल के थोड़ा घूम के आते क्या पता डायमंड मिल जाए, डायमंड को वैसे काफ़ी ज़्यादा नीचे कर दिया गया मैंने सुना है तो, लेकिन अब हम भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहे हैं बट यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि डायमंड मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से पोर्टल इकट बनाने आया हूँ ना मैं, पोर्टल बनाते गाइस चलो इसको हटा देता हूँ, बैक वाला साइड पड़े रहने देता हूँ ऐसी, तो यहाँ पर रखना है, वेट 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 एक ब्लॉक रखा यहाँ पे, इससे बोलो पानी, ओ गया पानी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को पता करना चाहिए था कि आखिर कितना वो डीप है, वो पता बहुत डीप लावा है इसलिए पानी नीचे वाले ब्लॉक पे चला गया, और अभी ऑब्सीडियन बन के शायद पानी गायब हो गया होगा, पानी वहाँ होगा नहीं, हाँ पानी गया भाई अपना, अब मेरे को यहाँ से वापस जाना होगा पानी इकट्ठा करने के लिए, गलत ही सीन भाई, कोई दिक्कत नहीं, 1 अब मेरे को यार जो जो चीज़ मैं नहीं चाह रहा था वही करनी पड़ेगी, मेरा क्लाइम करके ऊपर जाने का मन नहीं था,
बट पानी गया और अब मेरे को क्लाइंब करके ही ऊपर जाना होगा। कहाँ है यार, हम इतना टाइम बचाने के लिए इतना सोच रहे थे बट अभी सब गड़बड़ हो गया। अगर आसपास कोई माइन मिल जाए ना तो पानी भी मिल सकता है, ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गेमर इन वर्ट इन ओ वर्ट, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट ब्रो। यार प्लीज यार पानी मिल जाए यार, कोई वेट वेट वेट, ये ग्रेवल नीचे गिरेगा, लेट्स गो। इसमें से मेरे को फ्लिंट मिल चुका है और अच्छा है यहाँ पर स्टोन है तो ग्रेवल नीचे नहीं जाएगा, अदरवाइज अब तक तो ये मेरे को लेकर लावा में गिर चुका होता। ठीक है मैं सेफ हूँ शायद इस पर, मैं रिस्क लेने ही नहीं वाला, बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है, आराम से जाऊँगा मैं तो, ईजी पीजी। यहाँ पर कोल है, मेरे को यार बाहर ही निकलना चाहिए, ब्लॉक लगा के बहुत झमेला हो जाएगा। अब मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा और मेरे को लग नहीं रहा कि मुझे पानी मिलने वाला है। चुपचाप से ब्लॉक लगा के ही बाहर निकलते हैं और वापस ब्लॉक लगा के ही अंदर आ जाएंगे। ठीक है तो यहाँ से मैं इधर आया था, इधर इधर इधर, अगर अभी पानी रहता कितना मस्त ईजी हो जाता यार, लेट्स गो। हाँ मैक्स गेमिंग ब्रो, लव फ्रॉम जम्मू, अरे लव यू टू मेरे भाई, लव फ्रॉम दिल्ली। 75k पीपल्स आर वाचिंग, नाइस यार। जिसने अभी तक गाइस स्ट्रीम को लाइक नहीं करा है और जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा डालो। फिलहाल यार जल्दी से बाहर निकलते हैं, टाइम अपने पास बहुत कम है, मतलब ऐसा कुछ रेस तो नहीं लगी है बट हाँ मेरे को जल्दी से जल्दी करना है यार। लास्ट स्ट्रीम पे भी हमने काफी ज्यादा देर लगा दी थी और जब जितना देर होता है ना उतना थोड़ा बोरिंग हो जाता है और जैसे ही बोरिंग होता है हम लोग थोड़ा मरने की तरफ को मूव होते हैं। खैर सामने मैंने अपना, ओए एक सेकंड, मेरा क्राफ्टिंग टेबल मैंने इस केव के बाहर नहीं, वो दूसरी साइड थी शायद, मैं अभी एंटर मतलब एंटर किसी और साइड से हुआ था और एग्जिट में किसी और साइड से हो गया हूँ शायद। हाँ ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। हमारी जो एंट्री थी इस केव की वो थी, हाँ बे कुछ यार रात होती, ओ सामने विलेज 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 विलेज, गाइस अभी विलेज मिल चुका, फूड का टेंशन खत्म। बट अभी मेरे को यार अपना क्राफ्टिंग टेबल ढूंढना है क्योंकि उस फर्नेस में काफी सारा आयरन भी मैंने रखा हुआ है। मैं इस बार ही ना एक बार इस माइन के अंदर ही चलता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं जब गया ऐसा था वापस कहाँ से आ गया मैं, शायद वो ये रास्ता था जहाँ से मैं आया, वो ही मेरी क्राफ्टिंग टेबल है वही, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ भाई, इतनी मेहनत से बनाई थी भाई। चार प्लैंक लगाए मैंने, इतना सारा आयरन रखा है इसमें और अभी थोड़ा सा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इनकी भैंस की स्केलेटन आ रहा है मेरे को मारने के लिए, इसको मैं अभी जलवा के मारूंगा, रुको जाओ, भगवान से सुरक्षा मांगेंगे हम लोग, ऊपर से सनलाइट आएगी स्केलेटन जल के मरेगा। सरजीत सिंह कैसे हो ब्रो, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, व्हाट्स अप संजय जायसवाल ही आर के वाई टी, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम ब्रो। खैर अभी बेड को तोड़ते हैं, रिस्पॉन पॉइंट मुझे नहीं सेट करना, कॉल मेरा वापस, तो इसको तोड़ो इसको तोड़ो, विलेज मेरे को मिल चुका है, अपना काम एकदम मस्त हो गया, जल्दी से तोड़ते हैं। मेरे को ये वाली जगह याद रखनी है, इसकी कोऑर्डिनेट्स है -174103, यहीं से गाइस मैं वापस अंदर जाऊंगा क्योंकि अभी मेरे को लावा पुल मिल चुका है और लावा पुल का डायरेक्ट रास्ता वहीं पर है, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा अंदर जाके हम लोग लावा पुल पे पहुंचेंगे और नया पोर्टल बनाकर निकल लेंगे। खैर फूड खा लेता हूँ अभी, सब काफी कुछ स्मेल्ट करना है और अभी स्मेल्ट करूंगा मैं सीधा विलेजर के वहां जाके। ओ नाइस, यहाँ से मुझे एरो मिल चुका है, वैसे एरो से याद आया अगर हम ड्रैगन तक पहुंचते तो मुझे एक फ्लैचिंग टेबल भी बनाना पड़ेगा। ओए रात में मुझे विलेज दिखा था भाई, प्रॉपर विलेज दिखा था रात में मुझे, शायद उस साइड था, हाँ उस साइड था, उस साइड था, उस साइड था। ठीक है तो भी यहाँ से चलते हैं स्ट्रेट वोरा विलेज, भाई रेंडर नहीं हो रहा था वो तो, रात में थोड़ी रोशनी थी और हम लोग गलत साइड से एग्जिट हो गए इसलिए वहाँ की लाइट जली और हमें वो विलेज नजर आ गया। खैर चलते चलते ना बीच रास्ते में जो भी एनिमल्स हैं उन्हें मार के फूड भी इकट्ठा कर लेता, भाई फूड बहुत जरूरी है, लास्ट टाइम की तरह नहीं होना चाहिए, नेदर में ब्लेज से लड़ने जा रहे हैं और अपने पास फूड ही नहीं है क्योंकि ब्लेज आपको पता ही है भाई उसकी जो रेंज होती है ना भाई अटैक करने की, मतलब एक बार को ना एंडर ड्रैगन भी बच्चा लगता है, एंडर ड्रैगन तो मतलब एक नॉर्मल सा है, वो कभी कभार ही मारता है, जैसे हम लोग घूमते रहे ना तब नहीं मार पाता वो एक जगह। ओए इसको क्या हो गया बे, फार्म बनवा रही है खुद से ही, फार्म बनी पड़ी है भाई वो भी फूड का, लेट्स गो। काफी सारा फूड यहाँ से मिल चुका है तो ओए एक शॉट में ढेर, जब भी हम लोग ऐसे कूद के यू मारते हैं और स्टार निकलता है तो समझ लो एक बहुत बेस्ट शॉट मारा है आपने, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपका शॉट बहुत बेस्ट है और फिर सामने वाला जो एनिमल है उसको इतना ज्यादा डैमेज पहुंचता है ना भाई, मतलब खतरनाक। अगर आप नॉर्मल एक नेदरराइट एक्स यू मार रहे हो और आप आयरन का एक्स भी यू करके मार रहे हो ना तो दोनों का डैमेज बराबर है, समझ रहे हो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अटैक करने का, जिन लोग को नहीं मालूम था मतलब मैंने बता दिया, बट हाँ अच्छा होता है ये थोड़ा, ये वैसे आते ही होगा जहां तक है सबको क्योंकि भाई जिसने हीरो ब्रांड एसएमपी देखा है उसे समझ लो सब पता है उसमें ये सब आम बात होती है भाई। लेट्स गो, ये ओए घास की वजह से बच रहा है तू, ये ले अब ले तेरी भैंस के, फ्लिंट एंड स्टील बना के जलाऊंगा तुम्हें, परेशान कर रहे हो, अब कुक्ड फूड मिलेगा मेरे को, लाओ भाई। बट हाँ थोड़ा सा बचा लूंगा, इसकी जरूरत पड़ जाती है भाई बहुत ज्यादा। खैर मैं विलेज क्यों नहीं लूट रहा हूँ यार, विलेज लूटना है मेरे को भी, लेट्स गो अंदर चल के देखते हैं क्या क्या मेरे को इस विलेज से मिलने वाला है। भक्त कुछ भी नहीं था इसके पास तो सामने चलते, काश यहाँ पर एक फ्लेचर हो, फ्लेचर हुआ तो मैं बो क्राफ्ट कर लूंगा और फ्लेचर से ढेर सारा एरो ले लूंगा।
मैं कितना घटिया विलेज है यार, रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है ये बढ़िया रहेगा। सदीक गेमर भाई कैसे हो, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। व्हाट्सअप तैफूर भाई प्रो, माइनक्राफ्ट का मस्त वीडियो डालता हूँ, एक बार चेक करो प्लीज भाई। भाई करेंगे करेंगे चेक करेंगे, अभी हम खुद स्पीड रन खेल रहे हैं मेरे भाई। ओए ओए ओए, ये क्या बना रखा है अंदर, हट इधर 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 इधर, उड़ दे मेरे को, ठीक है। एक ना मैं गाइस वो होए क्राफ्ट कर लेता हूँ उस, ओ ओ ओ, तीन आयरन खड़े हुए हैं सामने, ये रहे तीन आयरन, बट मैं इसको नहीं मारना चाह रहा कि मार दूँ, आयरन चाहिए मेरे को, मारना पड़ेगा। इधर आवे, इधर आ, तेरी ऐसी की तैसी मेरे पीछे आ, उसको खुली जगह में ले जाके पीटेंगे। ओपन में आवे, वन टू एंड थ्री, आ जा तेरी भैंस की, जल्दी आ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा। एक, वो क्रिटिकल नहीं गया, दो, अच्छा शायद हम लोग, और नहीं पड़ा पड़ा, ये होता है क्रिटिकल। और ये मैंने इससे ज़्यादा हाइट पे हूँ इसलिए हर बार नहीं जा रहा, बहुत मतलब ऐसे क्राउच जब मैं कर रहा हूँ ना देखो तभी जाएगा ये क्राउच करके मारा, नॉर्मल मार रहा हूँ देखो नॉर्मल भी जा रहा है, टाइमिंग का ही खेल है भाई सारा, मतलब हम लोग बंदे की हाइट के ऊपर भी जाकर उससे शॉट दे सकते हो भाई, क्या प्यारी जगह ये भाई साहब। नीचे चल के आयरन ले लेता हूँ खूब सारा, बट हाँ मैंने कहा था मैं भी पहले खोए क्राफ्ट करना है मुझे, तो इसको रखता हूँ यहाँ पे, मेरे पास दो स्टिक है ना, लेट्स गो, दो स्टिक रखी यहाँ, ये बन गया खोए। और ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं ढेर सारा ब्रेड ले पाऊँ, और ब्रेड मेरे को मिल जाएगा इससे वीट के क्या कहते थे इसे, हेई बेल, हेई बेल, हेई बेल, हेई बेल से मुझे ढेर सारा वीट मिल जाएगा। और तीन वीट को ऐसे रख के हम लोग खूब सारा ब्रेड क्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब अपना फूड का झमेला मैंने ख़त्म कर डाला। अभी मेरे को बस थोड़ा, लेकिन यार वैसा फूड होना चाहिए जिससे हेल्थ बहुत तेज बढ़ जाती है, मींस थोड़ा बहुत हमें नॉन वेज आइटम रखना पड़ेगा अपने साथ। लेट्स गो, ये हो गया फूड, ओए हटे तू तू पिटी तू तू पिटी, इधर आवे, ये ले मेरे को दे फूड, हाँ लेट्स गो। थोड़ा बहुत सामान यार स्मेल्टिंग के लिए भी लगाना, किसी के घर में फर्नेस हो तो मैं वहीं पर लगा दूँ। यहाँ पर यार कोई भी मेरे को वो नहीं दिख रहा, क्या बोलते गाइस जो सॉल्ट ट्रेड करता है उसका चैट में नाम बताना, उसका नाम भूल गया यार, क्या कहते थे उसे, आर्मरर, नहीं नहीं आर्मरर थोड़ी, ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, यस 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 ब्लैकस्मिथ कहते थे उसे। ऊपर भी जगह है, ऊपर है क्या कुछ, अबे चेस्ट ही नहीं है इस विलेज में, क्या पागल हो क्या बे, कैसे कैसा घटिया विलेज है ये, यहाँ क्या कर रहे हो, शौचालय बना रखा है इधर, चेस्ट ही नहीं है भाई, पता नहीं क्या घटिया विलेज है भाई, क्या घटिया विलेज है, अंदर दिखाइयो ईशा तोड़, अच्छा ये तो वही वाली जगह है, वेट सॉरी मेरे को पीछे वाली, वो वाला घर महंगा लग रहा है भाई, वो घर महंगा लग रहा है, उसमें एक बारी चल के देखते हैं क्या पता मेरे को वहां पे चेस्ट मिल जाए इसके अंदर। पे तू चुपचाप खड़े रहे यहाँ, एक तो चेस्ट नहीं है, गुस्सा आ रहा है मेरे को इतनी तेज की, ग्रेवल मिल जाए ना तो मैं एक यार फ्लैचिंग टेबल बना दूंगा ताकि इनको जॉब दूं, इन पे गाइस कोई जॉब ही नहीं है, सारे के सारे बेरोजगार, नहीं इस पे तो है भाई, इस पे भी है, नहीं नहीं सारे बेरोजगार नहीं, कुछ कुछ है भाई जिनका काम करने का दिल नहीं है, यहाँ पे अपना इधर उधर बस घूमने से मतलब है उन्हें। क्या रवि इस वाले घर के अंदर चलता हूँ, यहाँ पर एक चेस्ट है, ढेर सारा ब्रेड और पोटैटो मिल चुका है, अच्छी मैं ले भी नहीं रहा पोटैटो, मेरा मन नहीं है। और येलो बेड पे अपना वो लगा देता हूँ, ये वाला रिस्पॉन पॉइंट मैंने सेट कर लिया, अपना घर आज से वो हो चुका है। एंड इस वाले घर को भी मैंने, इतना गंदा विलेज मैंने कभी नहीं देखा भाई, इतना गंदा विलेज, तो देखने में अच्छा है विलेज, ऐसी बात नहीं है, देखने में बहुत अच्छा है पर किसी काम का नहीं है। बकेट 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 वाटर जो चाहिए, तो पानी है पानी, अरे यार कसम से बहुत बेकार विलेज है यार, पानी तक नहीं है भाई आसपास, पूरे पूरे वेल बने होते हैं ऐसे विलेज में, हाँ एक पानी की बूंद नहीं है। कोई बात नहीं छोड़ो, इधर चेक करूँ एक बारी क्या पता कुछ हो, कुछ भी नहीं, इधर दो मेरी टॉर्च वापस। हाँ निरुपम भाई कैसे हो, प्लीज शॉर्ट आउट दे दो, मेरा फर्स्ट सुपर चैट है, निरुपम भाई शॉर्ट आउट टू यू, सॉरी आपने फर्स्ट टाइम शायद नाम थोड़ा गलत पढ़ दिया था। बाकी यहाँ पर खूब सारा शीप है, फूड इकट्ठा हो गया, इससे भी फूड इकट्ठा हो जाएगा, ब्लैक शीप गिले, ओके तो फूड इकट्ठा हो चुका है, अभी फटाफट से सबको चल के स्मेल्ट करता हूँ, खाना भी स्मेल्ट होना चाहिए और अपना जितना आयरन वगैरह था वो भी स्मेल्ट होना चाहिए। इसके घर में नहीं करूँगा घटिया घर, चेस्ट है के अंदर, प्लीज प्लीज प्लीज, ये भक इतना खुशी से जाके मैंने देखा था बट कुछ भी नहीं मिला, तो अभी काम करते हैं, इधर ही बाहरी सेटअप लगाता हूँ मैं अपना, दो फर्नेस ये रहे, तो एक रखा नीचे एक उसके ऊपर, आधा कोल डाला इसमें, आधा कोल डाला इसमें, और इसके अंदर रखा फूड, इसके अंदर रख दिया आयरन, अब अपना प्रॉपर आयरन यहाँ से बन जाएगा। वो फूड मेरे पास काफी सारा है, लावे तेरा घर तोड़ूंगा मैं, नहीं नहीं घर तोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कोबल स्टोन है, मैं बना सकता हूँ एक और क्राफ्टिंग टेबल से फर्नेस ताकि मैं और स्मेल्टिंग कर पाऊँ। तो यहाँ पे रखा क्राफ्टिंग टेबल और ये बनाया एक और फर्नेस, इस फर्नेस को लेकर रख देते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर मैं क्या डालूँ जिससे हो काम अपना, हाँ इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ, वैसे तो लकड़ियाँ वैसे भी काम हो जाएगा बट यार मेरे को कोल डालने का ही मन है, कुछ ऐसा लावा है क्या, लावा, ब्लैक स्मिथ का घर होता तो मैं लावा बकेट डाल देता उसमें, एक ही बार में सारा फूड स्मेल्ट हो जाता यार, बट
अभी मेरे को इसमें से आधा कोल निकालना पड़ेगा। लाओ भाई आधा कोल दो, तू भी आधा, नहीं आधा कोल से दो, दो कोल डाल देते हैं और फूड डाल देता हूँ, बाकी बाद में आके स्मेल्ट कर लेंगे, मतलब कुक कर लेंगे। अभी दो फूड है मेरे पास, इसी को लेकर चलते हैं, थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं। भाई रॉकेट लीग खेलो, यस ब्रो खेलेंगे। मिस्टर टैलेंट गेमर थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर बिकमिंग अ मेंबर। निश्चित प्लेस भाई लिख रहे हैं आर आई पी टी जी नेटवर्क, यस ब्रो अभी आप कह सकते हो बट कम बैक होगा, टेंशन मत करो। देखो भाई देखो, लिखना बहुत आसान होता है, करना बहुत हार्ड होता है, तो वो चीज़ शायद अभी आप नहीं बट इन फ्यूचर आप जरूर समझोगे, बट कोई बात नहीं, हमारी तरफ से यार पूरी बेस्ट कोशिश रहेगी, टेंशन मत करो, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे अगर करेंगे तो। लेट्स गो, यहाँ से मेरे को भी पानी मिल चुका है और अभी ओ नहीं स्केलेटन मेरे भाई, ऐसा मत करो तेरी भैंस की, तो वो शॉट कैसे मारे, एक में कुछ नहीं कह रहा था मैं, चल अब निकल यहाँ से। ओहो क्रीपर बड़ी जल्दी, ओह मजाक कर रहा था, मजाक मैं बिना आर्मर के घूम रहा हूँ, वेट मर जाऊंगा भाई मैं बहुत बुरी तरह, मैं बिना आर्मर के घूम रहा हूँ तब से, वेट अब तक तो मर जाना चाहिए था मेरे को, मैं जिंदा कैसे हूँ भाई। हेलो ये देखो भाई पूरा नंगा शरीर, अरे मतलब ये नकली स्किन ऐसा कह सकते हैं। हाँ भाई कुछ कपड़े वपड़े ही नहीं पहन रखे मैंने, महंगे वाले, तो भाई जल्दी से चलते हैं अभी, धक्का मुक्की चल रही है भाई पागल, लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्मिथ है ना तू, नहीं आर्मर आ रहा है, कौन सा आर्मर दे रहा है भाई इधर ही, मेरे को एमरल्ड के बदले सब दे रहा है, बट एमरल्ड कोई है, तू क्या बेच रहा है एमरल्ड, कौन देगा मेरे को यहाँ पे, तू कौन है, मेसन, चल भाई चल निकल यहाँ से, क्ले क्ले चाहिए इसको, उसके बदले एक एमरल्ड देगा ये, चले जाए यहाँ से, इतना मारूंगा ना खुद से ले आऊंगा मैं तायरन। एब्रो शॉर्ट आउट दे दो, अरुणा अनुराधा शॉर्ट आउट टू यू, लेट्स गो, यहाँ से आयरन मिल चुका है, फूड मिल चुका है, यहाँ से भी फूड मिल चुका है, इसको इसमें और फूड डाल देता हूँ, और अभी मुझे आर्मर बनाने हैं, तो सबसे पहले बनी चेस्ट प्लेट, उसके बाद बनी लेगिंग्स, बस ओपे यार दो चेस्ट प्लेट क्यों बना दी मैंने, मैं अभी भाई हरकतें बहुत करता हूँ पता नहीं क्यों, बट कोई बात नहीं अच्छी लगती है ऐसी हरकतें कभी कभी। ठीक है चेस्ट प्लेट हो गई है, अब मेरे को और आयरन माइन करना होगा, चलते हैं नीचे आराम से माइन करेंगे, अपने पास टाइम ही टाइम है, पोर्टल अपना मेरे को जाके बनाना ही है, तो माइन करते हैं फिर उसके बाद। पानी की जरूरत है क्या, नहीं नहीं दोबारा से आएंगे, कह रहा यहाँ से मैं नीचे जंप मारता हूँ सीधा, लेट्स गो, मेरी टॉर्च, ओए टॉर्च लगे जा रही है वो नहीं उठ रहा, ठीक है यहाँ से आयरन, कितना आयरन चाहिए होगा मेरे को सोचने दो एक बारी, चार मेरे को चाहिए बूट्स के लिए, देन पाँच मेरे को चाहिए हेलमेट के लिए, बस तो टोटल 5, 4, 9 आयरन मुझे और चाहिए, अपना काम हो जाएगा, फूड अपने पास ऑलरेडी, उसके बाद हमें नेदर जाना है और कुछ नहीं चाहिए, एक एक्स्ट्रा आयरन लेकर चलूंगा ताकि मैं शील्ड वगैरह कुछ तो बना पाऊँ, बाकी रात होने वाली है मुझे चल के ना सोना चाहिए था, यहाँ से थोड़ा बहुत फ्लिंट बना लेता हूँ ताकि बो बन जाए, बो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है, एक दो दो फ्लिंट चाहिए होगा मुझे, एक आ गया दूसरा प्लीज़, दो दो फ्लिंट हो गया, ठीक है अभी मैं एक फ्लैचिंग टेबल बना सकता हूँ जो कि शायद से यूँ बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये कैसे बनता है, चैट 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 जल्दी जल्दी बताओ फ्लैचिंग टेबल का रेसिपी, मैं भूल गया, मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे क्राफ्टिंग टेबल, ओ क्राफ्टिंग टेबल से ही तो नहीं बनता कहीं ऐसा हो, देखो पागल हो गया क्या भाई पूरा नाच रहा इधर, ऐसा तो वैसे नहीं होगा कि क्राफ्टिंग टेबल से ही बने, बट हो भी सकता है, अबे तू पागल हो गए क्या स्केलेटन इतने ज़्यादा, इधर क्रिटिकल खाने के लिए ओ पड़ा ही नहीं, अब पड़ेगा ना, ठीक है इसको मार दिया मैंने यहाँ से, थोड़ा और आयरन मिल चुका है मुझे, कोल भी चाहिए था मेरे को, कोल ले लेते हैं, थोड़ा बहुत आयरन स्मेल्ट करने के काम आ जाएगा, आयरन ओ इरको कोल इकट्ठा हुआ, आयरन कितना हो चुका है मेरे पास, 8 हुआ है ना, 10 इकट्ठा करके चलते हैं यार, बहुत हो गए, इतनी ज़्यादा मेरे को चीज़ें लेने की जरूरत नहीं है जितनी मैं इकट्ठी करने में यहाँ पर लगा हुआ हूँ, तब से पीछे चलता हूँ, यहाँ पर खूब सारा आयरन पड़ा था ना, नहीं यहाँ का तो मैंने माइन कर लिया था, कहीं मैंने छोड़ा था अभी आयरन को, जहाँ तक याद है कहीं मैं तो तोड़ रहा था फिर मैंने छोड़ दिया था उसे लेफ्ट में क्या, चल के अंदर देखता हूँ ये तो जगह, ओए यार मार दूंगा भी रो जाएगा भाई सही बता रहा हूँ, इधर तू पिटा इधर तेरी, निकल यहाँ से बेटा ऐसी, ओहो वाओ वो मिल गई, वो भी कितनी खत्म है छुपी की, निकल यहाँ से चाहिए ही नहीं आयरन, अरे एक आयरन दे दो यार मैं अपना जाऊँ छुट्टी पे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है भाई एक आयरन के लिए प्लीज़ या ओके मिल गया फाइनली, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे लिए ही पड़ा था ये वाला आयरन इतनी ज़्यादा अंदर आके, 4 planks and 2 flints से बनता है, ओके 4 wood या प्लैंक, कुछ बंदे वुड लिख रहे हैं चार्ट में कुछ बंदे प्लैंक्स लिख रहे हैं, भाई देखो वुड अलग चीज़ होती है प्लैंक अलग चीज़ होती है, वुड से मेरे मतलब होता तो वो एक्चुअल में वुड प्लैंक किया, ओए
बट प्लैंक क्या होता है, वुड के टुकड़े होते हैं और वुड एक प्रॉपर लकड़ी, समझ रहे हो? विच आ गई भाई, विच आ गई आसपास, विच आई, आवाज आई है मेरे को, पर हो ही नहीं सकता मैंने गलत सुना हो, मैं जा रहा हूँ भाई, वो भी कुछ तो फेंक फूक के मार देगी और तेज तेज लग जाएगी। अच्छा हेलमेट नहीं था तभी स्केलेटन इतनी ज्यादा एचपी ले रहा है मेरी, वही मैं सोचू यार कुछ ज्यादा नहीं पीट रहा है। खैर अभी सो करना, दिन कर देता हूँ एक बारी, काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद अगले दिन उठकर हम लोग जाने वाले हैं सीधा नेदर में। अभी सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, बस मैं नेदर में जाके लावा में ना गिर जाऊं, वहीं दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैं पता नहीं क्यों हट बे दिमाग खराब। हाँ तो यहाँ से भी मेरे को इसमें मैंने कुछ रखा ही नहीं था, कोई नहीं अब रख देते हैं, मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं ऐसा कुछ इसमें रखने लायक। फूड यहाँ से मिल चुका है, कोल इसमें डाल देता हूँ, एंड इसमें से भी फूड मिल चुका है। अभी मेरे को रखना था आयरन आधा इसमें और आधा वापस, तो आधा रखूंगा मैं इसके अंदर, ऑलरेडी रखा हुआ है जो कि कोल डाल देता हूँ। और यहाँ से भी कोल माइन तो करके लाया था खूब सारा, पता नहीं। ठीक है बाकी आपने कहा था कि चार प्लैंक लेकिन किस तरीके से? अच्छा समझ गया, अरे याद आ गया, थैंक यू गाइस, यू बनता है, लेट्स गो। तो ये हो गया फ्लैश, मतलब क्राफ्टिंग टेबल वाले तरीके से ही, बस ऊपर दो फ्लिंट होना चाहिए, मतलब क्राफ्टिंग टेबल से ही बन सकता है। तो अभी फ्लैचिंग टेबल बन गया, किस विलेजर को यहीं रख देता हूँ, कोई ना कोई तो ये आ रहा है जॉब लेने। आजा भाई तेरे को रोजगार दे दिया मैंने, फटाफट से आएगा ये फ्लैचिंग, इसको मैं स्टिक्स भी बेच दूंगा लगे यहाँ थी। रुक जा, स्टिक लेके जा मेरे से, ले एमरल्ड दे बे। हाँ ये दी इसने एमरल्ड, कितना घटिया है, रुक जा तेरे से ट्रेडिंग ही नहीं करनी मेरे को, तू निकल यहाँ से, तेरी जॉब, तेरे को दोबारा जॉब से निकाला जा रहा है। ये ले अच्छा दोबारा, अब देखते हैं क्या ट्रेड देता है। एरो दे, इस टाइम ये मेरे को स्टिक के बदले दे रहा है, ठीक है ओके, इस बार डील डन है। रुक जा मैं स्टिक लेकर आ जाऊँ, अभी खूब सारी स्टिक लेकर आता हूँ, बो क्राफ्ट कर लूंगा, बो के लिए स्ट्रिंग्स एंड स्टिक वो चाहिए होगा, और स्ट्रिंग्स मेरे को मिल जाएगी चेस्ट से किसी, या फिर मेरे को मारना पड़ेगा बेचारी स्पाइडर्स को, बेचारी गंदी होती है ना, कुत्ता बना के पीटूंगा अभी उनका, टेंशन मत लो। यहाँ से हो चुका ढेर सारा वुड, बट यार फ्लैचिंग का भी इतना जरूरत नहीं है, नेदर में इतना जरूरत नहीं पड़ता, एंडर ड्रैगन के पास जाने से पहले उसको मैं लूंगा। बट हाँ टेम्परेरी थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेता हूँ, अगर अभी लिया ही है तो दियो बे, स्टिक दे, स्टिक ले, सॉरी रुक जा मैं बना तो लूँ पहले। ये रखा प्लैंक, ये रखा यहाँ पे खूब सारा स्टिक, इधर आ, ये ले एमरल्ड दे मेरे को, एक दो, वेट और दे, अच्छा इतना ही, चल चार एमरल्ड की स्टिक दे दे मेरे को, एक स्टैक स्टिक हो जाएगा, एक स्टैक से ऊपर एरो हो गया मेरे पास। फेदर स्ट्रिंग्स मिल जाती तो मैं वो भी क्राफ्ट कर लेता है ना भाई, बट कोई नहीं। यहाँ से हो गया ये, आयरन दो, यहाँ से फूड दो, हट गए आगे। ओ रेट बढ़ा दिए होंगे उसने, सॉरी, अब उसके रेट बढ़ जाएंगे, एक एमरल्ड के बदले दो एमरल्ड में देगा वो चीजें, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रेवल किसी काम की नहीं है, साइड फेंको, फ्लिंट एंड स्टील, ओ नहीं ग्रेवल कलेक्ट, भाई ब्लॉक्स इस टाइम एक्स्ट्रा होने चाहिए, जरूरत पड़ जाती है। ठीक है तो मैंने क्या नहीं बनाया था, लेगिंग्स हो गई थी, बूट नहीं हुए थे, हेलमेट नहीं हुआ था, और हो जा भाई एक सेकेंड, हेलमेट हो गया, इसको पहन लेता हूँ लग यहाँ ताकि इन्वेंट्री का भी स्पेस बचे। अभी मुझे बनानी होगी एक शील्ड, इस यहाँ पर चेस्ट किसके घर में था, बना ही लेता हूँ चेस्ट यार, इनके घर में ढूंढने से बढ़िया। ओ यार गलती से लगाए वाला, अबे यार मुंह के आगे आगे खड़े हो जा रहा है पागल, रुक जाओ वो इकट्ठा हो गया, इसका बेचारे का घर छील दिया मैंने अपना काम करने के लिए। लो भाई उसके घर को ही तोड़ के उस जी को माल बेच रहा हूँ, भाई क्या घटिया हरकत है ये। ठीक है तो मेरे को क्या बनाना था, चेस्ट बनानी थी और कुछ तो मेरे को बनाना था, मैं भूल गया, दिमाग से उतरा अभी। चैट भाई प्लीज थोड़ा सा याद दिलाओ, ट्रेड बो, ओ यस बो आ गई, थैंक यू गाइस, दो एमरल्ड्स, यार देखो रेट बढ़ा दिए यार ने, किलेस गई भाई इसकी, मैं बो ट्रेड कर ले रहा हूँ, बो दे दो सर, सर करके बात कर रहा हूँ यार, ऐसे तो मत कर मेरे भाई, एक एमरल्ड दिया इतनी सारी स्टिक में, और बो मेरे को ये दो की नहीं 5 एमरल्ड्स की दे रहा है, पूरे घर तोड़ने पड़ जाएंगे मुझे यहाँ पे, पता है कर देता हूँ मैं, चलो क्या ही बोले यार, मेरी गलती है, एक शॉट में मेरे हिसाब से उसके रेट नहीं बढ़ते, दूसरा शॉट गलती से लगा और अब उसके भाई भाव बढ़ गए हैं, एक तो मैंने उसको भाई रोजगार दिया और आज मेरे से ही फैल रहा, देख रहे बदतमीजी, कोई बात नहीं उसके भी दिन आएंगे, कोई नहीं यहाँ पर सब कुछ तोड़ते हैं, एक दो और ये तीन, चलो ये हो गया, यहाँ पर भी तोड़ते हैं, एक दो तीन चार पाँच, अब अपने पास अच्छा खासा बो एंड एरो हो जाएगा, काम आएगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं, वेस्ट नहीं जाएगा, फटाफट से इसको भी तोड़ देता हूँ, 2 3 4 लेट्स गो, अभी चल के स्टिक्स बना लेता हूँ खूब सारी, कांग्या फ्लेचर भाई रेट कम कर ले यार, वरना मैं तेरी जॉब किसी और को दे दूंगा। ठीक है, स्टिक्स तो प्लैंक्स, ये इतना तो फेंकना पड़ेगा, मतलब फेंकना नहीं वापस उठा रहा हूँ अभी मैं, इतना ट्रेड कर लूँ पहले उससे, दियो भाई एमरल्ड्स लाओ, एमरल्ड एक
एक और है, एक एक एमरल बेच रहा बदतमीज। एक और दे, एक और दे, चार हो गए। एक और देगा? नहीं अभी नहीं देगा। दोबारा से मेरे को यहाँ से बनाना पड़ेगा। ये बन गया स्टिक, ये बना प्लैंक, प्लैंक से दोबारा रखा यहाँ पे, कुछ सामान नीचे फेंका, ये बना स्टिक। रुक जा, ये ले एक और। अब मेरे को बो बेच। तीन की होगी, तीन की होगी गाइस, तीन की होगी बो, तीन की हो गई। वेट, तीन एमरल्ड्स मेरे को ये दे दे बस, लेट्स गो। चल अबे चल, अब निकल, हो गया मेरा काम। थोड़े बहुत एरो दे दे बस, बट एरो के लिए इतना स्पेस भी तो नहीं है। ऊपर वाली रो में ना सारा एरो ही रख डालता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। चलो ओके ओके ब्रो, ओके डील डन। अब निकल ले यहाँ से। गाइस क्या बनाना था मेरे को? हाँ एक चेस्ट बना लेनी थी। वुडन प्लैंक्स है क्या? प्लैंक सारे उड़ा दिए मैंने, कोई नहीं, दो तोड़ता हूँ, एक चेस्ट बन जाएगा। अंदर गिर रहा है, वाह अंदर जाके इकट्ठे। चेस्ट इसलिए इकट्ठी कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ सामान मैं अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता, वो क्योंकि खाली पीली वो वेस्ट ना हो जाए मेरे हाथों। इसको यहाँ पर रख देता हूँ, स्पेस भी बन जाएगा थोड़ा बहुत इन्वेंट्री का। ये रखा चेस्ट यहाँ पे, मतलब इतनी सारी स्टिक्स ले जाने का कोई काम नहीं है ना। ये देखो एक स्टैक स्टिक ले जा रहा हूँ, बहुत है, मतलब ये दो दो स्टैक स्टिक से बस जगह भर रही है। वो एरो अपने पास ठीक ठाक है, ये इसका कोई काम नहीं है नेदर में, और ये वूल का भी कोई काम नहीं है नेदर में, ब्लैक वूल तो और कोई काम नहीं है। ग्रेवल लेके चल रहा हूँ मैं, चेस्ट प्लेट का कोई काम नहीं है, ब्रेड लेके चल रहा हूँ। फूड अपने पास, फूड को ना एक पीछे वाली लेन में सेट कर देता हूँ सारा, ये इस तरफ में सारा फूड ही है, ठीक है। जैसे मेरे को कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, पानी नीचे। ब्लॉक्स यहाँ रख देता हूँ सारे, कोबल स्टोन भी रख दिए यहाँ पे, ये यहाँ रख देता हूँ, आयरन रख देता हूँ, इसका काम नहीं है। चलो नहीं, आयरन का काम है, आयरन का काम है, एक और पिकेक्स बनानी पड़ सकती है मेरे को वहाँ पे जाके। चलो सब हो गया, अब चलते हैं सीधा हम लोग नेदर में। फ्लिंट है ना मेरे पास, ठीक है लेट्स गो। मैं पीछे वाली साइड पे मैंने पूल ढूंढना था, तो वहीं से हम लोग जाने वाले अभी नेदर में। लेट्स गो गाइस। शील्ड 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 शील्ड, सॉरी 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 सॉरी, हाँ मैं वही कह रहा था यार, कुछ तो मैं भूल रहा हूँ इतनी देर से, अभी आप लोगों ने चैट में याद दिला दिया। शील्ड शील्ड बना ली, समझ लो, ओ सॉरी ये होती है रेसिपी शील्ड की। लेट्स गो, शील्ड बन चुका है, ठीक है। ब्लेस से लड़ने का अपने काम आसान करा दिया मेरा। अब पहुंचते हैं गाइस नेदर में। हैशटैग जीजी स्पैम हो जाना चाहिए, अपना आधा गेम काफी ज्यादा बढ़िया जा चुका है, अब बस हमें फाइट्स ही फाइट्स करनी है ताकि हम लोग ड्रैगन तक पहुंच पाए। अब अपना असली युद्ध स्टार्ट हो गया है स्पीड रन का। अभी तक तो बस मस्ती मजाक चल रहा था, चीजें क्राफ्ट कर प्रिपरेशन चल रही थी, और अभी हम लोग पूरे प्रिपेयर्ड हैं, अब बस वहां पे जाके लड़ाइयां करनी है। एक मिनट गाइस, खैर जो चीज मैंने भूला हूं उसके लिए मेरे को वापस जाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे को बीच रास्ते में मिल जाएगी। और मैं भूला हूं टॉर्च, टॉर्च होना जरूरी है यार, मतलब ढंग से दिखता नहीं है ना। फिर पता नहीं मैंने टॉर्च कहाँ मिस कर दिया, अपने हाथ में रखा तो हुआ था। खैर मेरे को आगे कॉल मिल जाएगा। बाकी हमने जो जगह गड्ढा करा था वो यही था ना, मैं शायद यस 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 यही था। फटाफट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नीचे कॉल प्लीज कॉल, ये रहा। तो इसको तोड़ दिया, एक दो तीन चार टॉर्च बना लेता हूँ एक ही बार में ना, ज्यादा रहेगी ठीक है। तीन चार मतलब एक से चार बनती है, तो ज्यादा ही बन जाएगी। तू आ जा पहले, तू आ जा इधर, निकल यहाँ से। ओ भाई फायर एक्सपेक्ट नहीं लगा, ये धूप से जला था, ऐसा फील आया ना जैसे उसी जल गया वो मारने के बाद, ठीक है। तुम्हें वो क्या बनाना था? वेट वेट वेट, तू राजा निकल यहाँ से। ओए पड़ा कैसे नहीं इसके, ठीक है। कोल रखा यहाँ पे, इसके ऊपर रखा स्टिक, ये गया ऊपर, एक दो तीन चार खत्म, 16 बन गई, बहुत है। 16 के 16 टॉर्च हाथ में, बाद में जाके मैं इसे शील्ड से रिप्लेस कर लूंगा। फिलहाल अभी ब्लॉक्स ऊपर रखते हैं, और अभी गाइस जल्दी से बढ़ते हैं नीचे। मैं किधर से ब्लॉक्स लगाता हूँ, यहाँ से ही गया था मैं, लेट्स गो। मुझे भी वापस तोड़ते हुए यही जाना होगा, क्योंकि मैं जैसे ऊपर आया था सेम वैसे ही नीचे जाने का मेरा प्लान है। वहीं पर अपना लावा पूल था, वहीं से मैं अपना पोर्टल बना के सारा काम खत्म कर दूंगा आज के आज ही। लेट्स गो फटाफट चलते हैं, देरी किसी बात की नहीं होनी चाहिए अभी। 1 2 3 लेट्स गो राइट, 1 2 3 4 लेफ्ट, 1 2 3 4 फिर यहाँ से एक और ब्लॉक तोड़ के राइट, 12 से 4 में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा माइन करता हुआ गया था ताकि मैं नीचे ना गिरूं। मतलब ऐसे स्ट्रेट माइनिंग करने से ना बहुत चांसेस होते हैं लावा में गिरने के। और यू मेक फार्म्स, अंकुर को शॉर्ट आउट भी दे दो। फार्म्स यार वैसे ही थोड़ा माइंड में आया कुछ, पहले तो मैं देखो देख के ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के समझता था उस टाइम जब मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, बट ऐसे बनाते बनाते ना चीज़ें काफ़ी कुछ पता चली कि क्या होता है कैसे काम करता है, तब उसके बाद चीज़ें समझ आई तो अपने आप से अंदर से ही पता चल जाता था, हाँ भाई इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गया था। खैर मैं यहाँ से ना इस तरफ गया था, यस ये रहा पूल। अभी हम लोग एकदम करेक्ट वापस उसी लोकेशन पर आ चुके हैं, मुझे यहाँ से नीचे उतरना है, और यहाँ से इस ब्लॉक को तोड़ के मेरे को दोबारा नीचे उतरना है, एंड यहाँ से मुझे बनाना है पूल। तो लास्ट टाइम मेरे को यहाँ भी देखो इधर ब्लॉक लगाना, गलत लगा दिया, वेट हो सकता है, वैसे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, गलत क्या होता है भाई। यहाँ पर डाला पानी, इस वाले ब्लॉक को तोड़ा, ये बना गलत मिस्टेक कर दी मैंने,
मेरे को ना यहाँ पर लावा डाल देना चाहिए, ठीक है। अभी पोर्टल मतलब इतना बड़ा बनाऊंगा तो उसमें दिक्कत ही है, यहाँ पर इसको तोड़ता हूँ। पानी के लिए ना एक स्पॉट बना लेता हूँ जहाँ पर मैं अपना पानी डालने वाला हूँ। रुक जाओ, मतलब जरूरी रहता है यार पानी, ऐसे ना बीच में थोड़ी फेंक देंगे। इसको तोड़ना पड़ेगा ऊपर को। चल वे निकल यहाँ से, इसको गड्ढा कर देता हूँ यहाँ पे। वेट 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 वेट, यहाँ पर पानी डाल देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से लावा डालना है। वेट ये नीचे, हाँ एक बार नीचे वाले ब्लॉक पे लावा डाल के इसको पानी से ऑब्सीडियन बनाना होगा। बेस कंप्लीट हो गया गाइस, बेस कंप्लीट हो गया। पानी वापस रखता हूँ, देन अभी मुझे यहाँ पर डालना है इस तरीके से लावा, इसके बगल में पानी, ठीक है। इस तरीके से पोर्टल ख़राब कर दूंगा मैं। रुक जाओ, मुझे पोर्टल नहीं ख़राब करना, बट मैंने बनाया ही ऐसी जगह है कि पोर्टल नाश पिटेगा ये, बट इतने कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पता है क्या प्रॉब्लम है, ये ना एकदम सेंटर में है, मुझे किसी कॉर्नर से बनाना चाहिए था तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। बट छोड़ो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे रखा है ये, वापस आ। 1 2, इसको तोड़ देता हूँ। बीच में बनाना थोड़ा बहुत झमेले फालतू हरकत वाला काम है, साइड में ही करना चाहिए था मेरे को। अब हो गया तो कर देते हैं। ये हो गया, यहाँ पर नहीं बनाना था ये, इसको बनाता हूँ एक ब्लॉक पीछे, यहाँ बढ़िया रहेगा। 1 2, इसको हटाओ भाई। 3, चल भाई चल, ये भी हट गया। तो ठीक है, अब यहाँ पर बस मेरे को लावा डालना है, देन इसके ऊपर पानी डालना है। गया पोर्टल। मैंने कवर नहीं लगाए थे ना, कोई नहीं जाने दो, बहुत लावा है अपने पास, लावा की कमी नहीं है मेरे भाई। यहाँ से लिया ये, इसके ऊपर डाला, बस आ गया। अब मेरे को लेफ्ट में भी सेम यही चीज़ करनी है, तो उसके लिए मैं एक ब्लॉक लगा देता हूँ यहाँ पे। देन फिर मैं ये कहाँ से डालूँगा पानी, वेट यहाँ पर अगर मैंने ये डाला, नहीं, समझ गया, कुछ नहीं करना, सिंपल है। ये लिया लावा, लावा को डाला यहाँ, पानी को डाला इसके बगल में, हो गया। सेम ऐसे इधर करना है, पानी वापस, लावा को डाला यहाँ, पानी को डाला इसके बगल में। आजा पानी नीचे भाई, गया पोर्टल मतलब लावा पूल, पूरा ख़त्म हो गया। क्या बचा है, बचा है 10 रुपये का बचा, बहुत बड़ा था इसलिए मैं आराम से रिस्क ले लेके काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी एक लाइन खींच देते हैं, 1 2 एंड 3 4 5, बस ख़त्म काम अपना। चलो पानी इधर बैठ थोड़ी देर, ये लाओ, ये रखा यहाँ पे, पानी डाला इसके ऊपर, हटाया के वापस, ओए रुक अंदर जा, ठीक है। दोबारा से लाया पानी, लावा, लावा डाला, अब बन गया गाइस इसके ऊपर। चलो ख़त्म काम, निकल यहाँ से। ओए नहीं, पानी वापस आ, तू चल इसमें। वैसे मैं सोच रहा हूँ नेदर में पानी ले जाने का काम तो है नहीं, लावा लेके चलते हैं। कोई ज़्यादा फालतू बोलेगा उसके ऊपर ही डालेंगे। क्राफ्टिंग, क्या घटिया हरकत करी है मैंने, मेरे को वापस जाना पड़ेगा गाइज, अभी वापस जाना ही पड़ेगा मेरे को अभी, क्योंकि मैं अपने साथ वुड लेकर नहीं आया हूँ, और वुड ना लाने का नतीजा ये है कि मेरे पास वुड नहीं है ना, सही में नहीं है मेरे को गाइज। 1 मिनट लगेगा मेरे को एक बार ना वापस होकर आना पड़े। रुक जाओ, लावा क्यों लेकर जा रहा हूँ मैं अभी नॉर्मल वर्ल्ड में जाना है तो मेरे को अपने साथ, 1 मिनट रुक जाओ, लावा में डाल देता हूँ यहाँ पे, पानी दो। अबे यार ये गलत चीज़ है, पानी पे कितना खराब चीज़ है भाई ये, पानी पे टॉर्च रखा, पानी ही चला गया। अब मेरे को वापस ऊपर चढ़ना है तो प्रॉपर ब्लॉक्स लगाते हुए जाना होगा, और रिस्क ये था वहाँ पे ऐसे जाने का कि पिकेक्स पूरी ख़राब है मेरी, वहाँ जाके पिकेक्स टूट सकती है। बट अगर भाई मेरे को कोई पेड़ तो मिल ही जाएगा जिससे मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना लूँगा। चलो चलते ही हैं, आली पीली पानी बर्बाद हो गया भाई, टॉर्च रख दी उस पर मैंने गलती से। अभी मैं इस साइड आ चुका हूँ अपने, एक बारी ना गाइस कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। -25 और 20, -25 20 25 20 25 20, ठीक है याद रहेगा मुझे। अभी मुझे यहाँ से बाहर, ये कैसी सी जगह है भाई, हेलो इतनी ख़राब जगह है ये, मेरे को नहीं लग रहा कि आज की डेट में मुझे पोर्टल मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो कितनी मतलब घटिया बायोम से शुरुआत हुई, ऐसे रेड बायोम में क्यों नहीं खुलता यार कभी पोर्टल, मतलब इतना क्या बात है। ओए नहीं, मेरे को लगा सामने वो मेरे को पीटेंगे, मेरे पास गोल्ड नहीं है, मुझे गोल्ड पहने रहना चाहिए था, बट पहनता तो तब ना जब मिलता। मैं एक बार यार चलो यहाँ से भी भागने का रिस्क ले, रिस्क क्या भागता हूँ यहाँ से फटाफट अभी जल्दी से, कुछ ना कुछ तो मेरे को करना ही होगा यार। बट हाँ ध्यान रखना होगा लावा में ना गिर जाऊँ, क्योंकि इसमें बीच बीच में जो गड्ढे रहते हैं ना इसमें लावा भरा होता है, उसमें अगर बंदा गिरा तो बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल ही है वैसे तो यार, मतलब रिस्की भी नहीं होता, फुल इम्पॉसिबल ही चांस होता है। खैर ठीक है, मेरे को कम से कम ब्लॉक्स तोड़ने, अपनी पिकेक्स को संभाल के रखना होगा यार, वरना ये ख़त्म तो मैं ख़त्म। मतलब रेड बायोम वगैरह मिल जाए तो मैं क्राफ्टिंग टेबल से बना लूँगा, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास आयरन नहीं है, नहीं है आयरन, कोबल स्टोन की बन जाएगी। चलो ठीक है, ये अच्छी बात लगी। यहाँ से थोड़ा बहुत नगेट्स लेता हूँ,
नगेट्स का अगर उनको गोल्ड आर्मर भी बनाना है तो उसके लिए भी यार एक गोल्ड आर्मर बन जाता क्या हो जाता भाई। मैं सोच रहा हूँ चले जाऊँ अभी भी वापस, अगर बायोम नहीं मिला ना मैं इतना बुरा मरूंगा आगे जाके, सोच ही ना होगी भाई किसी ने, सच्ची बता रहा हूँ। क्या करूँ गाइस, क्या लगता है गाइस एक बार चैट में बताओ, मैं एक बार ना साइड में कहीं ब्रेक लेता हूँ, मुझे वापस जाके क्राफ्टिंग टेबल से सब कुछ गोल्ड वगैरह का बनाना चाहिए या फिर अभी सीधा रिस्क उठाना चाहिए? देखो अगर गोल्ड का कुछ भी बना लूंगा ना तो यहाँ के जो मॉन्स्टर्स हैं, जो पिगलिंस है, वो मुझे नहीं मारेंगे। थोड़े बहुत मॉन्स्टर तो मारेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे दोस्त बन जाएंगे मेरे, बट वो जो पिगलिंस है वो नहीं मारेंगे। रिस्क लूँ या ना लूँ? घास तो लगा, ओए घास इधर आ तेरी भैंस की, लास्ट टाइम कैसे मारता तूने, इधर आई हो बे, अब मार, तेरी बैंड बजाता हूँ मैं। ओए ऊपर भी देखना, ऐसे इग्नोर मार रहे भाई, अभी किसी और से फाइट होगी ना खुद ही आएगी भागते हुए। ओए इधर ऊपर, इधर आ तेरी भैंस की, इधर इधर पीछे देख, पड़ी नहीं उसके, अब पड़ेगी ना, आजा आजा अब मार, आजा नीचे देख नीचे, ये रेड बायोम में क्या कर रही है अभी, इसको मैं दिख ही नहीं रहा हूँ क्या अभी, ये रहा मैं भाई, ये क्या है अबे, ये घास तो थी कौन थी, भटक गई थी गाइस, मेरे को लग रहा है वो ना रास्ता भटक गई थी यार अपना, मैं खुद पहली बार दिख रहा हूँ ऐसी घास। क्राफ्टिंग टेबल, टेक रिस्क भाई, बंदे रिस्क लेने, देखो भाई रिस्क पता लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, रुक जा भैंस के मार, गिल ले, ओ भाई खतरनाक, नाइस एक और अटैक, गिल ले बड़ा मुंह पे, अब बोल फालतू की दही, उस दिन कैसे मार देने तो बुरा तो मेरे को, तो बच्चे हैं क्या एक साल के, मेरा ध्यान कहाँ था, मार के चली गई, लावा में अलग गिरा, चलो कोई नहीं, यहाँ से भी ढेर सारा गोल्ड मिल चुका है यार, थोड़ा बहुत वुड मिल जाए यार, वुड मिल जाता ना बहुत सही सीन हो जाता मेरे को गाइस, लग रहा है रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है, इतना सब कुछ करा सब वेस्ट हो जाएगा यार, तो भी चुपचाप यार वापस जा रहा हूँ मैं, वापस जाके ब्लॉक्स लगा के, यार मेरा पानी वेस्ट नहीं होता ना, मैं तो जा ही रहा था वापस, पानी वेस्ट हुआ फिर मेरा मन ही नहीं करा, मतलब इतना कूद वूद के वापस जाना पड़ेगा, फिर ब्लॉक्स तोड़ तोड़ के नीचे आना पड़ेगा, बट यार इन सब चीज़ में मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा टाइम तब वेस्ट होगा। अब आइए घास भाई, गलत जगह पे, अगर अभी इसने मारा ना मैं गिर जाऊँगा बहुत गलत, कोई नहीं इतना भी डरने की बात नहीं है, मैं आया कहाँ से था, माइनस पीस, ओ वेट पागल है कबे, वो भी दो दो मार रही है, दो दो घास मार रही है, एक वापस मार मार मार, ओए लावा के बीच में से आए भाई साहब, मेरे को पता था लावा के बीच में से आने वाली बोल, मैंने पहले पहले ही देख लिया था मैंने, मैं मर जाऊंगा ऐसे मत कर, इतनी दूर से मार रही देख रहे हो, अभी मुंह के बगल से निकल के जा रही थी, बदतमीज प्लेयर है भाई गास्ट भी, इससे ज्यादा घटिया मैंने कोई नहीं देखा, इंसान 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 थोड़ी है भाई यार। अभी मैं यहाँ से वापस आ चुका हूँ, मेरा पोर्टल मेरे को याद, बोरा 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 ठीक है, चलो वापस ही चलते हैं गाइस, तमीज में खेलते हैं थोड़ा, गो बैक, थैंक यू अब सब लोग गो बैक, थोड़ा सा अच्छा सजेशन है यार गो बैक वाला, रिस्क के चक्कर में यार इतना सब कुछ करा है सब वेस्ट हो जाएगा भाई, तो वो चीज़ नहीं करनी हमें। खैर यार पता है मेरा पानी नहीं जाता, मैं यहाँ आता भी नहीं, कोई नहीं अभी वापस ऊपर ऊपर जाने के लिए ग्रेवल है ना, ग्रेवल कब काम आएगी, जल्दी से एक दो सीधा, ग्रेवल की ये तो कमी है कि इसे कॉर्नर में नहीं लगा सकते, अब हमें ही लगानी पड़ती है, तो सीधा यहाँ से ऊपर था ना यहाँ से, तो हाँ ठीक है, वन टू और ग्रेवल जल्दी टूट भी जाएगी, ग्रेवल जल्दी टूट भी जाएगी, नाइस, और यहाँ से ऊपर 1 2 3 4 5, मतलब यार उस तरीके से जाते हैं ना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता पता है, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, अभी हम लोग फटाफट से एक पिकेक्स क्राफ्ट करके ले आएंगे फिर चलेंगे, बट अगर वैसे जाता तो बहुत टाइम वेस्ट हो सकता था हमारा। ये मैं कहाँ गया, अच्छा यहाँ से जाना है, 1 2 3, और ये मैं आ गया बाहर, और आप लोग अभी सोच रहे हो कि टाइम क्यों वेस्ट होता, तो टाइम इसलिए वेस्ट होता क्योंकि हम लोग पिकेक्स से कुछ तोड़ ही नहीं पाते, और उस चीज़ नहीं टूटती तो ढूंढने में बहुत टाइम लगता, समझ रहे हो। गो बैक, यस वापस आ गए हम लोग, समझ लो इसको तोड़ देता हूँ, वापस चलते हैं ऊपर, एंड अभी दिन मैंने कर दिया ताकि बाहर के जितने भी मॉब्स हैं वो सारे के सारे जल जाएं, और अभी फटाफट से चल के, आयरन नहीं था मेरे पास, आयरन मेरे को लेना है, वापस चल लेता हूँ एक बारी विलेज, 2 मिनट लगेगा, पानी मेरे को यहाँ से मिल ही जाएगा, 2 बकेट रख लूँ क्या, 2 बकेट बना लूँगा इस बारी, थोड़ा सा और आयरन कर लेते हैं, 2 बकेट बना लेंगे बढ़िया रहेगा, नाइस। आयरन मेरे पास था, मैंने शायद उसमें रख दिया था ना,
नहीं, आयरन नहीं रखा था मैंने, आयरन की चेस्ट प्लेट रखी थी बस। ये रहा पानी, ये लिया। ओए मारा स्केलेटन ने, बच गया मैं। जल गया बेचारा मेरे को मारने के चक्कर में, बाहर आया पेड़ के नीचे खड़ा था, देखो पेड़ के नीचे खड़े हो रखा छाव में सारे के सारे, धूप से जल के मरेंगे ना। चलो कोई नहीं, फटाफट चलते हैं अभी। थोड़ा बहुत कोल भी मुझे चाहिए होगा। टिब्बे फालतू की आवाज़ें निकाल रहा है। टू बाय कैट, टू बाय कैट। भाई एंड पोर्टल चलाओ, एंड पोर्टल अभी नहीं चला सकते ना ब्रो, एंड पोर्टल के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। अभी मेरे को जाना होगा नेदर, नेदर से मुझे मिलेगी ब्लेज, फिर मेरे को इकट्ठी करनी है एंडरपल, फिर ब्लेज रोड से बनाना है ब्लेज, ब्लेज और एंडरपल को मिला के बनेगा आई ऑफ एंडर, वो मुझे बताएगा डायरेक्शन कि कहाँ पर। ओ इसने क्या दिया, अच्छा मेरे को चीज़ें मिल गई यहाँ से जो मैंने ड्रॉप कर रखी थी। कह रहा अभी यहाँ से एक गोल्ड का भी चीज़ मैं बना सकता हूँ ना, वेट ये बना 7 ingot, एंड अभी मैं बना लेता हूँ एक बूट या हेलमेट, बूट सही रहेगा, ये हो गया बूट, क्योंकि थोड़ा बहुत गोल्ड ट्रेड करने का काम आ जाएगा अपने। यहाँ से और बना लेता हूँ इंगेट, उसको फेंको, 7 ingot हो चुके, इसे ट्रेड करूंगा, बूट यहाँ पहन लेता हूँ। एंड अभी मुझे अंदर से आयरन, अच्छा आयरन नहीं है ना, आयरन गाइस थोड़ा सा माइन कर लेते हैं, आयरन पिकेक्स के लिए माइन करना है, और क्या बनाना था आयरन का, मैं पता नहीं आजकल थोड़ा बहुत भूल जा रहा हूँ जल्दी जल्दी यार। आयरन का पिकेक्स बनानी थी और एक और चीज़ थी यार, याद दिलाओ, मैंने भी बोली थी कुछ तो। ठीक है कोई बात नहीं, पिकेक्स ही बनाते हैं पहले, कोल इकट्ठा कर लेता हूँ थोड़ा सा, माइनिंग के काम मतलब स्मेल्टिंग के काम आएगा, इसके बाद अब नेदर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। अब इसके बाद फोर्ट्रेस ढूंढ के ब्लेज रोड लेकर ही मैं वापस आने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और मिल गया आयरन, एक दो और वेट ये रुक जाओ, 3 हो गया समझ लो अपना काम। अब बस हमें यहाँ से निकलना है, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, अपने पास गोल्ड का भी है, सब पूरा सेफ है। हेलो ब्रो पुष्पा मूवी देखा क्या? ब्रो मैं मेरे घर में देख रहे थे सब लोग टीवी पे, तो जब मैं खाना खाने गया था मैंने बीच से देखा था, वो जो लकड़ी वाला पार्ट होता है अच्छा लग रहा था, बट आराम से देखूंगा शुरू से पूरा। मैंने वाला पार्ट देखा था जब लकड़ी से गिराते हैं ना, मतलब फिर पानी में जाती है खूब सारी लकड़ियाँ, तो उसके बाद ही थोड़ा देर तक देखा था, आधे घंटे तक। फिर शुरुआत का स्टोरी पता नहीं था, और इतना पता है कि मूवी काफ़ी अच्छा है, शुरू से देखने में फुल मजा आएगा, तो इसलिए मैं आराम से देखेंगे। बकेट, यस अब याद दिलाया ना, ये चीज़ चाहिए। कितना आयरन है मेरे पास? 7, 3 से पिकेक्स बन जाएगी, बाकी से बकेट। लेट्स गो, थैंक यू गाइस, ये चीज़ चाहिए, याद है सबको, यानी स्ट्रीम ध्यान से देख रहे हैं भाई सब लोग, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। ये रखा है यहाँ पे, कोल है ऑलरेडी इसमें, तो इसके अंदर रखा देता हूँ, आधा निकाल के कोल इसमें डालता हूँ, और आधा आयरन इसमें और कोल इसमें, ठीक है। तो भी बकेट, ओए तू इधर आ, आधा दो तू इसके अंदर चल, तीनों में माइन होगा हल्का हल्का, जल्दी हो जाएगा ये। अब इसमें से आयरन मिला और एक बकेट मैंने बना ली, एक में लावा रखूंगा, एक में पानी रखूंगा, एक्स्ट्रा पानी रहता है ना यार, ज़्यादा बढ़िया रहता है भाई, मतलब पानी के बिना ना टाइम बहुत बढ़ जाता है, हमें कहीं चढ़ना है तो दिक्कत। ओए वेट, आयरन आयरन, चलो पिकेक्स भी हो गई, और प्लैंक्स 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 गाइस, प्लैंक्स भी बना लेता हूँ, काम आता है। एक्स भी बना लूँ क्या आगे चल के? एक्स भी काम आने वाला है, धीरे धीरे सब कुछ ही दोबारा नहीं क्राफ्ट करने लग जाऊँ मैं, कहीं बना लेता हूँ, लेकिन एक्स से ना वुड वुड तोड़ूंगा। एक अगर आयरन हुआ तो बना लूँगा, 2 3 ठीक है, बकेट हो गया, बूट्स हो गया, एंड वुड मैंने ले ही लिया है, इसको रख देता हूँ, और एक एक्स एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, एक्स से ही फाइट करने वाला हूँ क्योंकि मैक्सिमम। ये रखा यहाँ और ये रखी 3, ये होगी एक्स्ट्रा एक्स, ठीक है इसको ऊपर रखते हैं, और स्टोन का पिकेक्स, अबे मेन चीज़ तो बनाई नहीं, एक मिनट सब बना लिया, मेन चीज़ नहीं बनाई। चलो अभी निकलते गाइस अपने काम पे, अपने मिशन पे दोबारा से, इसके अंदर चलो तुम लगे रहो अपना, वापस चलते गाइस दोबारा से एक बारी, मस्त वाला जीटी स्पैम हो जाए, वुड सब ओके गाइस। अभी मेरे को लग नहीं रहा कि जो जो मैंने सोचा था, जो जो मेरे माइंड में आया था, आई थिंक मैंने सब कुछ ले लिया है, अब हमें निकलना चाहिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, फटाफट से चलते हैं। वो पोर्टल अपना बना ही हुआ है, अब डायरेक्ट एंटर होना है, इतना टाइम नहीं जाएगा, उस डायरेक्शन में मूव करना है, बट हाँ थोड़े बहुत ब्लॉक्स रहते ना तो बढ़िया रहता। ठीक है कोई नहीं, अभी उतर रहे हैं डर्ट तोड़ते हुए, ग्रेवल तोड़ते उतरेंगे। ब्रो कांग्रेचुलेशन ऑन 7 मिलियन ऑन दिस चैनल, थैंक यू सो मच मेरे भाई अकुल गुप्ता, अकुल घुंता, थैंक यू सो मच, सॉरी यार अगर थोड़ा गलत प्रोनाउंस करा हो तो, अकुल ओके। रजनीत कुमार थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट मेरे भाई। यहाँ से चलते हैं नीचे, और वेट एक मिस्टेक, पानी लेकर तो जा रहा हूँ लेकिन पानी कौन लेगा, बकेट में पानी नहीं है भाई, तो यहाँ से पानी उठा लेता हूँ बस, वैसे भी नीचे जाके लावा उठाना है तो ले चलते, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ सकती है। टॉर्च रखी थी मैंने अच्छी खासी, और टॉर्च की वजह से सारा नाश बिटा था वहाँ। आई लगी 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 बहुत तेज लगी हुए, चलो 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 भागो, क्रीपर कूद जाएगा मेरे मुँह पे, ऊपर से क्रीपर कूद सकता भाई, पानी आ गया
बट ये पानी चले जाएगा, अनलिमिटेड थोड़ी था। अरे यार ये पानी क्या खत्म ही नहीं हो रहा। ओबे पागल है क्या बे, पाक पाक तेरी भैंस की, इतनी अच्छी दोस्ती, ये पानी रुक कैसे, मेरे साथ कितने अलग अलग हरकतें हो रही है। जब पानी मैंने वापस कलेक्ट कर लिया, पानी खत्म ही नहीं हो रहा, क्रीपर मुंह पे आके गिर गया भाई। बताओ मेरे को पता था क्रीपर कूदेगा, और इतनी खराब किस्मत, हाथ में एक भी ब्लॉक नहीं था, वरना मैं उस एरिया को ही ब्लॉक कर देता ब्लॉक से। गलत भाई गलत, कोई नहीं लेट्स गो। यहाँ से मैं नीचे आ चुका हूँ, एंड यहाँ पर था अपना पोर्टल राइट साइड में नेदर में जाने का। यहाँ से उतरते हैं नीचे, कोई डायमंड था क्या आसपास, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, क्या पता डायमंड हो आगे। मतलब होता है कभी कभार, नहीं बहुत चांसेस रहते हैं ऐसे जगहों पर डायमंड मिलने के, यहाँ पर तो खैर नहीं है बट होते हैं मैक्सिमम टाइम। एक बार दूसरी साइड भी चेक कर लेता हूँ, चल बे चलो, नहीं था इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी कि डायमंड हमें मिले। खैर अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ पानी को, और यहाँ से कैरी कर लेता हूँ लावा, और चलता हूँ अभी सीधा नेदर में। अभी हम लोग बिल्कुल सेफ है, क्राफ्टिंग टेबल रह गया, कोई नहीं अभी इतना ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वुड होगा, जहाँ तक है वुड है मेरे पास, क्राफ्टिंग टेबल तो मैं बना लूँगा ना, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फटाफट चलते हैं, मैं लास्ट टाइम किस डायरेक्शन में गया था, मुझे उसी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि पीछे वाली तो पूरी दीवार है यार, पीछे कहाँ जाऊँगा मैं, आगे ही जाना पड़ेगा ना अभी मुझे। तो थोड़ा बहुत ग्रेवल दो बे, ग्रेवल क्लाइम करने के काम आएगा, और हवा में चलने के लिए कुछ और ही ब्लॉक लगाऊंगा मैं, ठीक है, ग्रेवल से नहीं चला जाता। प्रहल सोलान की कैसे हो मेरे भाई, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, दो टाइप के ब्लॉक अपने हाथ में रखता हूँ, नेदर रैक्स भी रख लेता हूँ, नहीं नेदर रैक्स नहीं, जंप के लिए ये वाले रखता हूँ, शवल भी तो लेकिन होना चाहिए ना हर टाइम, ज़्यादा ब्लॉक्स कैरी करने की जरूरत नहीं है, बस एक ये रख लेता हूँ, एक डर्ट रख लेता हूँ, ख़त्म बात। अब मेरे को यहाँ से आगे बढ़ना है, मैं लास्ट टाइम जिस इधर से गया था, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ से इधर इधर और इधर पे, इधर इधर लेफ्ट में, फिर यहाँ से जंप, फिर यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे सीधा, एंड अभी मैं इस घटिया खच्चड़ वायम से बाहर समझ लो आ चुका हूँ, बस मेरे को यहाँ से सीधा जा। ये घास क्या पगला गई है क्या इस वायम में, दीवार चाट रही है, देखना उसको, ये देखो ये आ गई, अब मारेगी, मारियो, वे एक सेकंड, डिस्पॉन हो गई, वाओ डर के भागी भाई, डर के भागी है, डिस्पॉन नहीं हुई, खौफ है मेरा। बाकी एक सामने एंडरमैन दिख चुका है, ला भाई एंडरपल, एंडरपल कितने रुपए किलो है, जल्दी आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, जरा तेरी भैंस की, इसको जला के मारूंगा मैं, इधर आई हो मैं, नहीं ये टेलीपोर्ट हो जाता है, टेलीपोर्ट हो जाता है, बदतमीज है। ओए ओए तुम्हें नहीं मारा मैंने, तीर कौन दे रहा, हा हा ये चाहिए किस्मत में, आते ही एंडर, ओ तेरी भाई, इधर आई हो, तेरे को तो मैं ऐसे नहीं मारूंगा भाई, तू क्या हल्के में ले रहा है क्या मुझे, गिर ले तेरी भैंस, अब बोल फालतू, हाँ मजा क्या, ठीक है इस तरीके से मारने से ना चीज़ें नहीं मिलती यार। अभी मुझे ऊपर ना पिगलिंस दिखे हैं, उनसे ना कुछ माल शाल ट्रेड करके आया जाए, थोड़ा बहुत गोल्ड मैं लेके घूम रहा हूँ मेरे भाई, ये ले तीन गोल्ड, पागल है भाई वो बच्चे, ओए ओए मत करो, दे रहा हूँ आराम से, छीना झपटी कर रहे हैं, ये ले दूसरा वाला कहाँ है, ओए इधर आ ही नहीं रहा, रुक जाओ जल्दी देख ले, तेरे को भी चाहिए, ये ले तू भी करता है, पर गोल्ड जितना तो उसका मुंह है, क्या दिया, ओ गोल्डन एरोस, वाओ ये ले ये ले, ये ले। तू कहाँ आ रहा है, ये तेरे को दे रहा हूँ भाई, ये ले, हाँ थोड़ा बहुत ना अपनी सेफ्टी के लिए रख लेता हूँ, जब ये मारने आते हैं और इनको गोल्ड दे दो ना, तो इनका ध्यान भटक जाता है, इसने गोल्ड उठा लिया, इसने एक तीर दिया भाई, छोटे वालों से मत ट्रेड करना भाई साहब, बड़े वाले दो तीर दे रहे तो ये एक तीर दे रहा है, रुक जाओ मैं किसी और से ट्रेड करता हूँ, ये लो सर, ये लो आपका माल आया पीछे से, स्पेशली लाया हूँ दूसरे वाले वर्ल्ड से, जल्दी दो भाई माल, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, कितना सोच रहा है, क्या दिया ऑब्सीडियन, क्या खाऊंगा क्या उसको मैं, ये ले, नहीं ऑब्सीडियन, ओए जरूरत पड़ती है भाई ऑब्सीडियन का, बहुत बहुत जरूरत पड़ता है, अगर बाय चांस हमें पोर्टल पे आने का मन नहीं करा और कुछ ऑब्सीडियंस मिल गए तो मैं वहीं से अपना निकल लूंगा, और यहाँ से सॉल सैंड नहीं चाहिए यार, तीन में संभाल के रख रहा हूँ, तीन अपना बाद में यूज करेंगे, अभी फटाफट से आगे बढ़ते हैं, मुझे सामने एक एंडरमैन दिख गया, एक नहीं दो दो एंडरमैन दिख गए हैं, इन एंडरमैन को मार के मैं एंडरपल, भाई आज किस्मत अच्छी है, आज किस्मत अच्छी है, एंडरमैन ही एंडरमैन मिल रहे, वो भी बेमतलब में, वेट वेट वेट, एक दो तीन चार पाँच छः सात, लेट्स गो भाई, एंडरमैन ने अच्छा खासा डैमेज दिया इस बार मुझे, और एक एंडरमैन मेरे पीछे पड़ चुका है ना, नहीं पड़ा नहीं पड़ा, मुझे फूड खाना होगा, और एक ना सेफ स्पॉट बना के लड़ना चाहिए यार एंडरमैन से, मैं खाली पीली मस्ती करने लग जाता हूँ, देखो सेफ स्पॉट बनेगा एंडरमैन के लिए,
फोर साइड गेमिंग आई एम वेरी सैड फ्री फायर 10,000 डायमंड गिव अवे शाउट आउट टू यू मेरे भाई फोर साइड गेमिंग क्या हो रहा है ये इतने एंडरमैन क्यों स्पॉन हो रहे हैं भाई या तो ये मेरी किस्मत है या किस्मत है ये किस्मत ही है भाई मैंने कभी नहीं देखा इस बायोम में एंडरमैन की बारिश होते हुए ठीक है आ जाओ एंडरमैन को पीटते हैं रुक जाओ ऐसे नहीं सेफ पॉइंट बना के तो यहाँ पर तीन ब्लॉक का मेरे को ये बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 वेट एक सेकेंड इसको तोड़ देता हूँ अभी मैं इनसे मजे लेकर आना है मुझे इसके नीचे खड़े होना है पता चला भाई मैं मार के आ गया और मेरे को सब पीट रहे आराम से लड़ूंगा जल्दबाजी नहीं करूँगा आज मैं बिल्कुल एक आ जाना 2 3 आ जा 4 5 6 ओए ब्लॉक निकाल लिया तो बदतमीज ब्लॉक निकाल लिया यहाँ से मैं कितना विश्रम है भाई तू इधर आइए भाई ब्लॉक निकालते आ जा 1 2 3 आ जा 4 5 इनका अटैक करने का ना मतलब बहुत डिफरेंट तरीका होता है यार लेट्स गो एक एंडरमैन इसको बुलाऊं ये देखो यहीं से बुला लूँगा आ जा भाई मस्त है एंडरमैन यहीं खड़े हो जाता हूँ इनको अट्रैक्ट कर करके मारूंगा 1 2 आ जा 3 4 हाँ आ जा ना मेरी मैस की ओए यार हाँ चलो नहीं दिया इसने और है क्या एंडरमैन आसपास ये जगह बहुत बेस्ट है यार मैं यहीं पर आने वाला हूँ एंडरपल इकट्ठा करने के लिए वो देखो कितनी मेरे पास कितनी एंडरपल हो गई है वेट मुझे चेक करने दो 3 हो गई नाइस 3 एंडरपल हो गई है मैं पता नहीं अभी किस डायरेक्शन में बस जाता जा रहा हूँ बस हाँ मुझे अभी फोर्ट्रेस ढूंढना है तो ढूंढना है और कुछ भी करके मैं ढूंढ के ही रहूँगा खैर अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं आगे अगर और एंडरमैन मिले तो बीच में ऐसी स्पॉट बना के उन्हें मारूंगा बट हाँ उससे पहले थोड़े बहुत ना ब्लॉक्स माइन कर लेता हूँ क्लाइंबिंग करने के लिए इनका बहुत जरूरत पड़ने वाला है 11YKR4N कैसे हो मेरे भाई वेलकम टू लाइव स्ट्रीम हे दाश हे हर्ष गेमिंग वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम भाई ये हो गया खूब सारा माइन आगे शायद रेड बायोम है क्योंकि यहाँ पर आसपास काफ़ी सारे मशरूम हैं बट यार ये जगह काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी आ गई ना यहाँ पर नीचे तो एक मस्त रास्ता जा रहा है उदू क्या नीचे नीचे भी कुछ तो है यार मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पर आसपास फोर्ट्रेस होगा मैं किधर से आया था मेरे को तो जगह भी नहीं याद इस डायरेक्शन से आए थे ना हम ठीक है मेरे को यार नीचे जाना ही होगा वीर को और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना अपने पास या तो यहाँ से मैं राइट को जाऊँ दो रास्ते जा रहे हैं राइट को या लेफ्ट को वैसे अगर मैं सीधा भी जाता हूँ तो मैं नीचे जाके भी तो लेफ्ट हो सकता हूँ ना चलते हैं या फिर राइट ही जाऊँ रुक जाओ राइट ही चलते हैं भाई नीचे ना बहुत ज़्यादा कूदना पड़ेगा और फिर जब नीचे चले जाओ ना तो फोर्ट्रेस वगैरह वैसे ही नहीं मिलते पता है सीन क्या होता है फोर्ट्रेस होते हैं ऊँची हाइट पर और कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग उनके नीचे से अगल बगल से निकल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता तो अगर मैं ऊपर घूमूंगा तो मेरे को ज़्यादा व्यू मिलेगा तो मैं नीचे ना उतरना ही नहीं चाह रहा मेरे को ना थोड़ा हाइट एडवांटेज लेकर ही व्यू लेना है बस फटाफट से इस तरफ में चलता हूँ मैं यार लेफ्ट जाना है ना मेरे को यहाँ से ये ओपन एरिया जो होगा ना उस तरफ में जा ये देखो राइट में तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला दीवार है बट हाँ आगे पूरा ओपन है चलो वहाँ से आगे आ चुके अरे नहीं स्केलेटन भाई प्लीज अरे लग रही है बहुत तेज की शील्ड पहन लूँ शील्ड पहनने तो तुम्हारी बैंड ना बजा दी ना मैंने शील्ड दो बे अरे रुक जाओ छप रही है क्या हाँ अरे बढ़िया फूड खा लूँ मैं आराम से अरे मार इसको मुंह पे मार इसकी मुंह इधर आ तेरा निशाना कच्चा है क्या तेरा मार उसको वाह बढ़िया आ जा दो कोड़ी के स्केलेटन आ तेरी भैंस की ये देखना इसके खुद के लगेगा बच गया ले फिर दिमाग के दही कर रहा है चलो अभी मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है आगे का एरिया पूरा ओपन है मेरे हिसाब से ना गाइस आसपास मेरे ब्लू या रेड बायोम है क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना तो ये वाले ब्लॉक्स आ जाते हैं मतलब ये सब दिखने लग जाता है कुछ पेड़ पौधे पत्ती वत्ती टाइप तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत स्पॉट हो रहा है तो शायद आसपास मेरे कोई ना कोई बायोम तो है वापस से वही जगह आ गई क्या मैं आया किधर से गलत तो नहीं जा रहा ना भाई मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शायद से गलत जा रहा हूँ वाओ घास्ट वाओ गिले ओए मैं पिट जाऊंगा भाई इससे बच गई तेरी भैंस की आँख की दही कर रही है ठीक है वापस से मैं पता नहीं कैसी अजीब सी जगह पर आ गया हूँ मुझे यहाँ से अभी सीधा चलना चाहिए थोड़ा बहुत फूड खा लेता हूँ मैंने कहा था ना राइट से जाऊँगा तो शायद साथ थोड़ा बहुत बढ़िया रहेगा मतलब अलग अलग जगह मैं कोशिश करूँगा नीचे की तरफ में ना जाऊँ ऊपर में क्लाइंब करके निकलूँ क्योंकि जहाँ मैं नीचे उतरा वहाँ मेरे मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे
खैर अभी टॉर्च मैंने रिप्लेस करी थी ना, वापस से टॉर्च हाथ में रखता हूँ, थोड़ी बहुत रोशनी रहेगी ताकि आपको थोड़ा स्ट्रीम पे दिखता रहे, वरना अंधेरा हो जाता है ना तो थोड़ा बहुत अजीब सा हो जाता है। अरमोल आर भाई प्लीज से माय नेम, अरोमल शाउट आउट टू मेरे भाई। वेट, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है कि मैं राइट से निकलूँ? मैं ऊपर ही रहूँगा भाई, मैं नीचे उतरने का मन नहीं है बिल्कुल। राइट परफेक्ट है, राइट में अच्छा खासा रास्ता, तो ऊपर जाने की ज़रूरत क्या है, थोड़ा बहुत क्लाइंब करके मैं राइट से जा सकता हूँ ईजिली। यहाँ से नीचे उतर के यूँ ये आ गया मैं राइट में, एंड यहाँ से अभी चलता हूँ मैं स्ट्रेट, और मुझे यहाँ से शायद और ऊपर क्लाइंब करना चाहिए। बाकी जगह पर आसपास कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, नेदर नने। ओए फोर्ट्रेस मिल गया, अगर मैं लेफ्ट से आता तब भी मिल जाता भाई, सामने ही फोर्ट्रेस था। ठीक है अब फटाफट यहाँ से ऊपर क्लाइंब करते हैं, मेरे को सामने उसका जो बड़ा वाला पिलर है ना वो नज़र आ गया, और अगर अभी मैं नीचे घूम रहा होता ना मुझे ये नहीं मिलता। बट हाँ, मेरे को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फोर्ट्रेस के पास जाकर भी ऊपर क्लाइंब कर सकता हूँ। बट अगर मेरे को एंट्रेंस ही ऊपर से मिल जाए ना तो भी बहुत, वहाँ पहुँच जाऊँगा तो शायद मेरा काम हो जाएगा। वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए, तो ब्लॉक्स तोड़ते हैं बैठ के ईजी। खतरनाक गेमिंग, कैसे हो भाई, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, व्हाट्स अप प्लीट, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट मेरे भाई। आज हो रही है भाई काफी ज्यादा खुशी, हम लोग समझ लो अच्छा खासा गेम अपना पार कर चुके हैं। मेरे पास 3 एंडर पर्ल है, फोर्ट्रेस मिल चुका है, वहां पे जाके ब्लेस को मारना है, अपना काम इजीली हो जाएगा और फिर हम लोग इस गेम को पार कर डालेंगे भाई। इतना भी इजी नहीं है, अभी ड्रैगन बचा हुआ है भाई, तो काफी कुछ अभी बाकी है। खैर अभी चलते सीधा ब्लेस के पास, यहाँ से काफी सारे ब्लॉक्स मैंने तोड़ दिए और वो ब्लॉक सारे मेरे पास आ गए है ना। ठीक है ब्लॉक्स आ गए हैं, बस घास ना आ जाए। 50 ब्लॉक्स हैं, ठीक है 50 से हो जाएगा अपना काम। मैं पहले ना एक काम करता हूँ, नीचे उतरने के लिए ब्लॉक्स नहीं वेस्ट करता, नीचे मतलब ऊपर जा सकता हूँ मैं यहाँ से। रुको 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 रुको, मस्त रास्ता मिला। ओए हटो, मुँह के आगे खड़ा हो रखा है, जाने दो मेरे को यहाँ से ऊपर। ये मैं आ गया हूँ ऊपर, एंड मेरे को वहाँ जाना था ना। ठीक है ये इधर से चलता हूँ यहाँ पे, एंड ये मैं क्लाइम करके आ चुका हूँ 1 2 3 ऊपर। एक सेकेंड, यहाँ तो है ही नहीं कुछ। ओए ठीक है यहाँ से आया, यहाँ से इधर, इधर इधर, और ये मैं आ चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा हाइट पे। अभी सामने फोर्ट्रेस था तो मेरे को ज़्यादा उधर जाने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर की तरफ में क्लाइम करना है कुछ इस तरीके से। एंड सामने रेड बायोम है, मैंने बोला था ना हमेशा रेड बायोम से टच रहता ही है भाई फोर्ट्रेस, ये चीज़ होती है। तो फोर्ट्रेस मिल गया, आसपास रेड बायोम भी है, यहाँ पर जो पिक्स होते हैं उनसे थोड़ा बच के रहना होगा वरना वो थोड़ी कभी कभार टक्कर मार देता है भाई मुँह पे बहुत तेज़ की। बट यार अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गलत तो नहीं आ गया यहाँ पर, क्योंकि फोर्ट्रेस दिखेगा नहीं भाई ये इतनी ज़्यादा भरे जंगल में, मैं खो ना जाऊँ। अब गिरा, ज़्यादा ऊँची जंप मार दी मैंने, मतलब ज़्यादा लॉन्ग एरिया पे छोटी जंप मार दी। यार अब फोर्ट्रेस नहीं मिलने वाला मेरे को लग रहा है, वो मेरे नीचे से निकल जाएगा। तो कुछ ज़्यादा ही हाइट पर आ गया, हाइट हाइट करने के चक्कर में। प्लीज दिख जा, दूर से तो यहीं दिखा था। वो रहा ऐसे कैसे खो जाएगा भाई, सामने दिख गया मेरे को। यहाँ से मैं हेबेल ले लेता हूँ, हेबेल से डैमेज कम पहुँचता है। हाँ ये मारा जंप, इसको वापस लिया, देन दोबारा से सीधे फिर सामने। और अभी फोर्ट्रेस के अंदर काफ़ी अच्छी एंट्री समझ लो अपनी होने वाली है, बहुत अच्छा फोर्ट्रेस है ये मेरे हिसाब से, और क्या ही प्यारा एंट्री हुआ। इसको तोड़ देता हूँ ताकि बाहर निकलना भी ईजी हो, अगर कल को मेरे को बाहर यहाँ से जाना हो तो। ठीक है फोर्ट्रेस में मैं आ चुका हूँ गाइस, और इसी बात पर एक मस्त वाला जी स्पैम हो जाना चाहिए। फूड चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और बीच में ब्रेड भी लगा लेता हूँ ताकि कल को ब्रेड खाना हो तो काफी मस्त सीन रहे। अब बस फटाफट से मुझे एक ब्लेज स्पॉनर ढूंढना है, ब्लेज मारने है, और टोटल 12 ब्लेज रॉड में इकट्ठी करने, टोटल हाँ 12 ब्लेज रॉड इकट्ठी कर लेते हैं, 12 या 10 इतना होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि पड़ती है भाई जरूरत इतने ज्यादा ब्लेज की, मतलब थोड़ा बहुत ढूंढने में भी लग जाता है, कभी कभार स्ट्रॉन्ग होल्ड दूर हो तो बहुत ही वेस्ट हो जाता है। डायमंड प्लीज, डायमंड मिल गया, लेट्स गो, क्या किस्मत है, बोला और मिल गया। इसे कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको रखता हूँ आयरन वाले स्लॉट पे। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, प्लीज़ एक और डायमंड, नहीं मिला इस बारी। फ्लिंट इन स्टील है उसके अंदर, ऑब्सीडियंस मिल जाए तो मैं पोर्टल बना के भी यहीं से बाहर चले जाऊँगा। प्लीज़ सजेस्ट अ फोन अंडर 20,000। ओ ऑब्सीडियन मिल गया, वाओ ऑब्सीडियन 4 हो गए, टोटल 10। 20,000 के अंदर ब्रो देखो मैं अच्छा सजेशन नहीं दे पाऊंगा, जो टेक यूट्यूबर्स हैं आप एक बारी उनका वीडियो देखो तब आपको मेरे से बेटर सजेशन आपको वो देंगे। गोल्ड मिला है, गोल्ड ट्रेड करने के काम आएगा तो उसको यहाँ रखता हूँ। बाकी यार ये फोर्ट्रेस में ब्लेज स्पॉनर नहीं है क्या, ऐसा होता नहीं है जबकि, एक मिनट। ठीक है अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा, सामने ओपन एरिया है बट आई थिंक ब्लेज स्पॉनर नहीं है उधर, क्या इधर ब्लेज स्पॉनर नहीं है, मैं यहीं से तो आया हूँ ना, वो ब्लॉक मैंने तोड़ा था ना, हाँ वो ब्लॉक मैंने तोड़ा और मैं घूम के भी यूँ आ चुका हूँ। ठीक है मेरे को रास्ता तो समझ आया,
कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ नीचे रास्ता होगा। हाँ नीचे रास्ता है, यहाँ से उतरता हूँ नीचे। यार ब्लेज स्पॉनर कहाँ होगा? अंडरग्राउंड जा रहे हैं भाई अब तो रास्ते। अंडरग्राउंड चलते हैं पहले इस तरफ। यहाँ पे भी एक चेस्ट है, प्लीज़। डायमंड, डायमंड नहीं मिला, गोल्ड मिल गया, आयरन मिल चुका है, आयरन डाल देता हूँ यहाँ पे, सारा आयरन हो गया। एंड सामने भी एक चेस्ट है भाई, बस लूट मिल रही है मेरे को, मॉन्स्टर्स चाहिए। हाँ ये मिला गोल्ड, डायमंड और सारे आयरन भर के है भाई यहाँ तो, भर के और ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हाँ ये तोड़ता हूँ, ये रहा आगे का रास्ता। ये वाली चेस्ट मैंने लूट ली थी ना इस तरफ में जो है, ये मैंने नहीं लूटी, नहीं लूटी, लूटी होती तो उसमें गोल्ड नहीं होता। यस नहीं लूटी थी बट अब लूट ली। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला जो जो एरिया होते जा रहे हैं ना वहाँ पर मैं कुछ निशानी छोड़ सकता हूँ, ग्रेवल लगा देता हूँ जो जो एरिया हो रहा है ना। जैसे ये हो गया, यहाँ ग्रेवल लगा दिया, यहाँ ग्रेवल लगा देता हूँ, ये भी मैंने चेक कर लिया, यहाँ ग्रेवल लगा देता हूँ। यहाँ से आगे बढ़ते हैं ताकि वो एरिया रिपीट ना हो, दूर से देख के मुझे समझ आ जाए कि यहाँ से मैं ऑलरेडी होके जा चुका हूँ। ठीक है ये आगे हम लोग बाहर, और कुछ समझ नहीं आ रहा इस फोर्ट्रेस में यार, मैं कहाँ जाऊँ? ऊपर चढ़ता हूँ, वेट, यहाँ से टॉप की साइड। अरे ब्लेज स्पॉनर नहीं है क्या यहाँ पे यार? ब्लेज रॉड चाहिए मुझे, अंदर चलता हूँ यहाँ से, रुको। अरे अरे किससे तोड़ रहा हूँ मैं? ये वाला एरिया हुआ चेक? नहीं ये नहीं हुआ शायद, पता नहीं कि हुआ, याद नहीं। यहाँ से मैं होके, कितना घटिया है यार ये, अच्छा फोर्ट्रेस है, सेफ फोर्ट्रेस है, बट कुछ है ही नहीं इसमें, ना विदर स्केलेटन है ना कुछ है। यहाँ से एक बार ही ना इस तरफ चल के देखता हूँ, क्या पता मुझे तब कुछ मिले। वो रहा, ब्लेज मिला। लेट्स गो, आ रहा हूँ, दो मिनट रुक जाओ बस, आ रहा हूँ, मुंडी तोड़ के ही जाऊँगा। यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला चेस्ट में से, इसमें चेस्ट बहुत ज़्यादा है, बाहर के चेस्ट है। ब्लेज तो दिख गई बट ब्लेज का स्पॉनर का कुछ अता पता नहीं है। चलो कोई नहीं, देखता हूँ, अगर वो है तो आस पास होगा। तेरा स्पॉनर कहाँ है बे? इधर आ, इधर आ, तेरी ऐसी चेस्ट। वो मैं यार हील करना होगा, इतना डैमेज लेके बच गई, कोई नहीं। अब आ जा, इधर है तू, इधर आ, 3, 2, 1, आ जा, आ गया भाई। चलो मेरे को मिल गया एक ब्लेज रोड, यही मुझे चाहिए, बस अपना काम हो जाएगा। उठाने के लिए जगह, ग्रैब ये गन पाउडर फेंक दो, इसका कोई भी काम नहीं है। एंड ये एरिया भी पूरा चेक हो गया, ब्लेज स्पॉनर यहाँ भी नहीं है, वहाँ है क्या? वहाँ है गाइस, वो ब्लेज स्पॉनर का ही लोकेशन है। हाँ वो ब्लेज स्पॉनर है, वो ब्लेज स्पॉनर है, वहाँ पर पक्का होगा। जितना मेरे को ध्यान है ऐसी जगह पर ही होता है जहाँ पर ऐसा कुछ शेप बने रहता है। तो फटाफट चलते हैं ब्लेज स्पॉनर पे। ये वाला पार्ट यार सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, अगर ये बोरिंग हुआ ना तो फिर मैं मर सकता हूँ। ओ यही है, यही है, मैंने एकदम करेक्ट गेस करा था, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है, चीज़ों को देख के ही पता कर सकते हैं कि वहाँ पर चीज़ जो हमें चाहिए वो है या नहीं। बाकी मेरे को किसी पिग ने देखा शायद पीछे से या फिर आगे से, और मेरे को मारने आ रहा है, बट मैं वहाँ से निकल आया हूँ तो शायद अभी वो नहीं मारेगा। ओ पीछे भी है, पीछे भी है, पीछे भी है, पीछे भी है। आ जा, तेरी ऐसी की तैसी, चढ़ेगा ऊपर, आ जा पे, इसके हाथों को चढ़ा ही देता हूँ पहाड़ में। 1, 2, 3 एंड मैं आ गया ऊपर, तू आएगा, आइयो इसकी पागल, डरा रहा है खाली पीली। ठीक है तो यहाँ से सीधा जाना है, ये चढ़ा यहाँ से सीधा एक ऊपर, यहाँ से वो जगह वहाँ से तो दिख गई थी, यहाँ से घूम के आने पे नहीं समझ आ रही भाई। रुक जाओ, अगर मैं यहाँ से आया हूँ, वो यार एकदम भाई पत्थरों में घुसा हुआ है यार ये वाला फोर्ट्रेस। वेट, यहाँ से सीधा उतर के वो रही वो जगह, वहीं से क्लाइम करते। ओ क्या बुरा गिराया इसने मेरे को, क्या बुरा गिराया, ये मरा, इसकी मौत आ गई भाई। अब ये पिटा, अभी नहीं मारूंगा, तो रुक जा, मेरे को ब्लेज से भी खतरा है ना यहाँ पे, ब्लेज से खतरा खत्म हो जाए तो मैं इससे लड़ूंगा। हील, ब्लॉक्स भी काफ़ी कम है मेरे पास। आ रहा है, प्लेंटे देना जरा, इधर आइयो पे यार, ब्लेज मार देगी अगर मैं यहाँ पर रहा तो, सामने ही खड़ी है कि ना ये ले। वो फैक्ट, ये तो यहाँ मार देगा मेरे को, मैं मर सकता हूँ अभी, बहुत गलत खेल रहा हूँ मैं। ऊपर से ब्लेज, नीचे से ये कवर ले लेता हूँ। वो कहाँ पर है भाई वो? ए जावे तेरी भैंस की, निकल यहाँ, निकल गया, निकल, मर जा वे। लाओ थोड़ा सा ना गाइस, एक सेफ स्पॉट बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है,
नीचे तोड़ के चलता हूँ अंदर, ये बना सेफ स्पॉट, एंड कुछ ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ से कोई और अंदर एंटर ना हो पाए मेरे अलावा, कुछ ऐसा। ये होगी सीढ़ी ऊपर जाने की जहाँ से मेरे को ब्लेज से फाइट करना है, एंड बैक साइड अपने लिए एक्सेसिबल रखता हूँ कि मैं ही यहाँ से बाहर निकल पाऊँ, बट बाहर वाला भी तो अंदर आ जाएगा, रुक जाओ। ये ब्लॉक तोड़ दूंगा तो बाहर से कोई अंदर नहीं आ पाएगा, फुल सेफ है, मैं मतलब इजीली खेल सकता हूँ। ये भी तोड़ देता हूँ, वैसे तो कोई नहीं आ पाएगा, इतना कोई रिस्की काम नहीं है। ये ले लिया, फूड है, फुल एचपी फुल है, सॉर्ड मेरे पास ओके है, बट ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्लेस रिस्पॉन हो गई है, तो मुझे इनसे एक एक करके फाइट लेना होगा आराम आराम से, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लेस रहेगी ना उतना रिस्क है। देख रहे हो कितनी सारी है, ये अटैक करा मैं जगह नीचे, अब बढ़िया है, अब इनको मैं सबने कर दिया ना, ओए नहीं नहीं सबने अटैक नहीं करा था, आँख बुझाई, अब मैं जाके इन्हें मारूंगा, बचना होगा मेरे को, बच गया मैं एकदम ओके, डॉजिंग, बस एक दो तीन और भुज चार, अब मेरे को भागना होगा वरना ये अटैक करने वाले हैं। ये आ गया मैं नीचे, बहुत सारी स्पॉन हो गई है यार, इनको डिस्पॉन या फिर इन्हें नीचे बुलाना पड़ेगा मेरे को, तभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर एक दो ने भी मुझे चलाया तो बहुत बुरा डैमेज मेरे को पहुँच सकता है। वो तो मैं अच्छा खासा भी डॉज कर रहा था बट बैंड बजी। आराम से खेलते हैं, फूड खाना होगा मेरे को थोड़ा सा, दो मिनट रुक जाओ, हेल्पफुल करके मैं जाने वाला हूँ इनसे लड़ने के लिए। भाई मुझे शॉर्ट आउट दे दो, इनसेन रोहन भाई शॉर्ट आउट टू यू, व्हाट्स अप आदित्य गेमर्स, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। इधर आवे तेरी भैंस की, कौन था ओ, इनको नीचे बुलाऊं क्या, कैसा दिमाग लगाया जाए इनको मारने के लिए। वुड है, वुड जला देंगे लोग, हेबेल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और हेबेल मैं जल्दी तोड़ भी दूंगा, समझा मैं, समझा इजी। ओए हो गलत आ गई तू, निकल यहां से। किसने मारा ये, देख रहा था मैं खड़े होकर इसको, वो पीछे आ गई, पीछे आ गई, पीछे आ गई, एक तो पीछे आ गई, आ जा भाई। मिला क्या ब्लेस, दो हो चुके हैं ऐसे, ओ ये देखा कहां से मारा उसने भाई, नाइस, इनका रेंज और निशाना बहुत परफेक्ट होता है, मैं जैसे जाऊंगा वैसे अटैक होएगा मेरे पे। अरे मेरे को ना एक अच्छा वो बनाना पड़ेगा गाइस, शेल्टर टाइप कुछ तो, जिससे कि ये लोग मेरे पे अटैक कम से कम कर पाए, और अगर करे भी तो इनका निशाना जल्दी लगे ना। ओ नहीं, ये ऊपर आ चुके हैं यार मेरे, हाँ इतने ज्यादा स्पॉन हो गए ना, मजा नहीं आ रहा भाई, मारने से पहले तो मेरे को भागना पड़ रहा है। भर के हैं, मैं मतलब एक को मारूंगा तो पांच पांच बंदे अटैक कर रहे हैं, वहां जाऊंगा तो पिटी जाऊंगा। इनको पीछे से नीचे बुलाऊं क्या, ओ भाई कहां से मारा उसने, हाँ फुल होने दो भाई, एचपी फुल होने दो, बहुत रिस्की हो गया अभी, काली पीली मरने वाली हरकत है। गोल्ड है, सब ओके है, आर्मर तोड़ रहे हैं भाई ये लोग धीरे धीरे, बो या शील्ड यूज करो, हाँ समझ गया मेरे को, ठीक है लो करा उसको मैंने, चलो। एक्चुअली क्या ना, मेरा शील्ड यूज करने का आदत बहुत कम है, मैं लेता ही नहीं शील्ड, आपने देखा होगा मैंने अपनी सर्वाइवल सीरीज में शील्ड बनाया ही नहीं है। वो गड्ढा है भी नीचे तो रिस्की है गाइस वहां जाना, और ढेर उसने ब्लेज रोड दिया, आई थिंक यस दिया उसने, दिया ब्लेज रोड दिया। मिला क्या, चार हो गया मेरे पास, पता नहीं शायद नहीं दिया इसने, हाँ अभी मेरे को यहाँ से आगे जाना होगा। स्केलेटन नीचे अलग मजे लेने के लिए बैठा हुआ है, चलो अंदर चलते हैं वापस, यहाँ एक टॉर्च लगा देता हूँ मैं,
चिल्स नहीं, यहाँ पे मैंने क्या रखा था? फूड ठीक है, फूड तो ओके है। अबे वो मेरा हेबल जला दिया उन्होंने, मेरे को पता ही नहीं था हेबल जल जाता है, वही देखा। ठीक है ये सेफ बना, मैं तो इनके बेस में घुस के ही लड़ता हूँ इन्हें मारने के लिए मैक्सिमम टाइम। वो क्या गंदा अटैक कर रहे हैं लोग। करो एक एक आइडिया है मेरे पास, मेरे को ना ऊपर कवर करनी है, बट मेरे को कोई ब्लॉक नहीं है कवर करने के लिए, यहीं बैठता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, ये ब्लॉक तोड़ देता हूँ, ये लोग नीचे से आएंगे और मैं इनको मारूंगा, देखना। ये ना ईजी बन गया, थोड़ा ईजी हो गया, बस ऊपर से कोई ना आए, ये थोड़ा मैंने ईजी कर दिया अपने लिए। ओए ये पास ही आ गई, नाइस फूड हो गया। हेलो भाई फूड एचपी। ओके अब ना ये ऐसी निकल निकल के आएगी, देखना इनको नीचे बुलाना है मेरे को यूं, ये जैसे इस ब्लॉक पे आएगी मैंने मार दूंगा। ओहो बुज्जा भाई, इसका यार बहुत गंदा अटैक होता है यार, सच्ची में बहुत गंदा। कितनी हो गई, छः हो गई ना, छः छः 12-10 कर लेता हूँ यार, 10 बहुत रहेगा। मार देगी भाई ये तो ऐसे। मैं ध्यान ही नहीं दे रहा चैट जिससे रीड करने का, ऐसे निकल के आ गई वो। आजा भाई, आई 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 आ रही आ रही। ओह ओ भाई ओ भाई साहब बहुत गंदा मारा इस बारी तो। सबने जला दिया भाई। ओके सब ओके है, तो अभी मेरे पास क्या क्या हो चुका है, कितनी होगी ब्लेज रोड 6 है, इन्होंने दी नहीं ना इस बारी। रुक जाओ गोल्डन मुड़ के चुका, ये डाल लेता हूँ थोड़ी देर। ये देखो यही करने के लिए मैं बोला था अभी। जलाया जलाया पूरा जलाया। आजा भाई आजा, कितनी होगी 7 होगी, 10 इकट्ठी करनी है फिर हो जाएगा। यूज एक्स, पता है भाई एक्स लेकिन ना कूद के मारने के लिए बढ़िया रहती है, मैं जहां पर फाइट कर रहा हूँ वहां पर कूदना हार्ड है। एक्स से तो क्रिटिकल मारूंगा 2 में ढेर होगी ये, बट क्या है मैं यहाँ जाके ना क्रिटिकल नहीं मार सकता, तो एक्स का फायदा नहीं है। अभी इनका अटैक वेस्ट करा के आना है मेरे को, ये हुआ सबका अटैक वेस्ट। ओ नहीं सबने एक एक बचा रखा था, नाइस। अरे फूड आ जा, अरे गलत बात, फूड खाते हुए को शर्म नहीं आ रही, कोई खाना खा रहा हो। मार एक और, ओ एक और था उस पे, 3 के 4 अटैक कर दिया क्या, 3 उसने करे फिर चौथा शायद 4 करती होगी। चलो अब होने वाला है वैसे यार, 3 सारी लो पड़ी हैं अब ना, इनको बस जा जाके छूना है मुझे। तेरी भैंस वो, मैं सोचा इसको कूद के बजा ही डालू आज, बाहर निकल आई पता है वो अपने ट्रैप से। एक दूर आई है, एक दूर आई है, दिया इसने दिया। निकल यहां से, मर गई शायद वो, मर गई ऊपर वाली मर गई। ये मारेगी यार, ये पता है वैसे बहुत डेंजरस जगह पे फंसा हुआ हूं मैं।
जला इस बारी, जला लंबा जला इस बारी तो। ठीक है, शायद से भी टाइम आ चुका थोड़ा बहुत ब्रेड बनाने का। थोड़ा फूड ज्यादा यूज कर रहा हूँ ना मैं। ओके, सेफ हूँ। मैं उसके पास क्यों जा रहा हूँ? इनको आने देता हूँ। आओ बे, आजा 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 आजा। जला दिया भाई इसने, बट ठीक है, अच्छी बात है कि इसने रॉड दी मुझे। ये एक आ गई है, रॉड इसने भी दी। कितनी हो गई रॉड हमारे पास? 9 हो चुके, एक और बस। काम इतने में भी हो जाएगा, बट एक और मेरे को चाहिए होगी। अच्छा मतलब फॉर सेफ्टी। भाई उसको क्या शॉट मारा है मैंने? वो गलत 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 अटैक हो गया। चलो हो गया अपना काम गाइस, अभी मेरे को यहां से निकलना चाहिए। मेरे को जितना सामान चाहिए था मेरे को सारा मिल गया है। पूरी 10 की 10 ब्लेज रोड मैंने यहां से इकट्ठी कर ली है। थोड़ा बहुत आई ऑफ एंडर भी मुझे यहां से मिल जाएगा, बट अभी मेरे को काफी सारे एंडरमैन को मारना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास ऑब्सीडियंस 4 है ना, निकलते हैं। ठीक है गाइस, एक और बार जीजी स्पैम हो जाए, हमने आधा काम समझ लो कंप्लीट कर दिया है। लेट्स गो। मैं किस डायरेक्शन से आया था यार? -20 समथिंग था ना। चलते हैं, मेरे को वो शायद याद है, थोड़ा बहुत तो याद होगा। इस बायोम से बाहर निकल जाऊंगा तो मेरे को पूरा रास्ता याद आ जाएगा, क्योंकि मेरे को बाहर का ऑलमोस्ट एरिया याद था कि कैसी जगह थी वो जहाँ से हम लोग आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये नहीं 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 यहाँ नहीं थी। फूड खा लेता हूँ पहले, अभी ब्रेड खाता हूँ थोड़ा। 2 और ले लो गाइस, इतनी सही रहेगी कि और लूं? मेरे को 10 है, वहां पर टोटल 12 लगेगी, 10 से 20 बना लूंगा। और 8 यार मेरे हिसाब से ढूंढने के लिए पोर्टल इनफ नहीं है, बताओ यार गाइस सही है या परफेक्ट है? मेरे हिसाब से 6 में भी काम हो जाता है यार, अगर मैं कम कम यूज करूंगा ना। 8 बहुत होती है यार, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड 8 में नहीं मिला मैं स्पीड रन बंद कर दूंगा इसकी। यार 8 बहुत ज्यादा होती है यार। -25 20 यस ब्रो, थैंक यू याद दिलाने के लिए। -25 के लिए मेरे को इधर जाना है, और 20 के लिए -25 +20 था क्या गाइस? +20 था माइनस, को याद करने दो। मैं इधर जाऊंगा तो ये प्लस हो रहा है, इधर जाऊंगा तो ये माइनस हो रहा है। तो +20 था ना गाइस, -25 20 यस +20 था। ठीक है, तो यानी मेरे को इधर डायरेक्शन में जाना है। ओके चलो चलते हैं फिर। ब्लॉक्स ही नहीं है यार अपने पास तो, मस्त मस्त टेबल लगा के कौन जाता है भाई? ची, अबे फिर लगा दी। एक मिनट, ये लगाना है। हाँ यस, एक ठीक है। मैं थोड़े बहुत ना अभी आगे चल के नेदरैक्स माइन कर लूँगा, मतलब ओह हो चुका भाई, तोड़ लूँगा मतलब आगे चल के थोड़े बहुत नेदरैक्स। अभी फटाफट ना यहाँ से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं। यहाँ तक था भाई ये फोर्ट्रेस, काफ़ी बड़ा था। जल्दी 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 वापस, इधर से सीधे, यहाँ से सीधे जाते हुए। और क्या है ये देखो भाई, यहाँ से क्या एंट्रेंस थी। ऊपर भी काफ़ी लूट बचा होगा फोर्ट्रेस का, जो कि शायद मैंने मिस कर दिया कह सकते हो। 2 और ले लो भाई, काफ़ी लोग स्पैम कर रहे हैं यार, ऐसे मत करो। मैं वापस चले जाऊँगा फिर 2 और लेने। एक ही बंदा 2 और ले लो बार बार स्पैम कर रहा है क्या? एक बार चैट सब लोग इस पर ये डाउट, मतलब वैसे मेरे को लगता नहीं है यार ज़रूरत होगा, अपने लक पे डिपेंड करता है यार। अगर बहुत दूर हुआ तो दिक्कत हो सकती है, बट इतनी दूर होगा तो यार पहुंचने में सोच रहे हो कितना टाइम लग जाएगा? 1-2 घंटा और ही लगेगा।
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह डैया क्या चटके से पुलिस सीधा लावा में डुबकी लग जाती। रिस्क बहुत रहा था भाई, देख के माइंड करना पड़ता है। चलो ठीक है, बहुत है इतने ड्रग्स, अभी फटाफट ना ऊपर चढ़ते हैं। वैसे ऊपर से ही आए थे, ऊपर से ही वापस जाएंगे। वैसे जो रास्ते से आया था वही रास्ता मिल जाता तो काफ़ी सही रहता, मिल जाएगा शायद आगे चल के हमें। ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा, अब तो नहीं मिलेगा क्योंकि जिस जगह से मैं जा रहा हूँ ना ये जगह ही अलग है भाई बहुत। या तो नहीं, नहीं ओपन है, ओपन है, ओपन है। मेरे को लग रहा था बंद हो रखा है भाई। राइट नाइस, यहाँ से ओपन एरिया मिला मेरे को। एंटरमैन नहीं मिल रहे यार इस बारी, लास्ट टाइम क्या मस्त एकदम एंटरमैन दिख रहे थे ना। -7 अबे क्या था, -20 और 25 ना, सही जा रहा हूँ यानी मैं। थोड़ा एक बारी हेबेल मारू क्या नीचे, ज़्यादा डैमेज ना जाए, ले लेता हूँ हेबेल करते हैं। ये मेरा हेबेल, एक आधा हार्ट गया मान लो, एक गया वैसे, एक जाता है। ओ तेरी छू गया बगल में पैर, कोई नहीं से पड़े रहने दो, फटाफट निकलते हैं हम यहाँ से। यहाँ से अगर मेरे को कुछ पिगलिंग्स वगैरह मिले तो उनसे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ एंडरपॉल का, या फिर ब्लू बायो मिल जाए क्योंकि अभी मेन एंडरपॉल भी तो रह रहा है यार, वो तो हम भूल ही गए। सीधा फोर्ट्रेस के लिए थोड़ी निकलना है, अभी घास आ गई। यहाँ से अब यार मेरे को लग रहा ब्लू बायोम ना मिलेगा, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। टाइम कितना हो गया भाई, मैं सिर्फ 10 मिनट और कर सकता हूँ स्ट्रीम यार। मेरे को 4 बजे सच्ची में जाना है आज, सीरियसली मेरा बहुत मन है आज खेलने का, बट जाना पड़ेगा मेरे को क्योंकि मैं अभी दूसरी जगह लाइव आऊँगा और मस्त हम लोग गेम भी खेलने जा रहे हैं आज। एक और लाइव है, मतलब कहीं और नहीं जाना, एक दूसरी लाइव जा करनी है और ऑलरेडी 4 बजने वाले हैं। बट यार करते हैं, ऐसे करते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं, जितना हो पा रहा है उतना तो करे एटलीस्ट। एंडरमैन मेरे को लग रहा था मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखो ये वही तो जगह है जहाँ मार, वो बहुत हेल्थ गई, बहुत हेल्थ गई। ओए खुद का निशान है, ठीक नहीं है उसका। ओए यार जा यहाँ से, मेरे को टाइम नहीं है अभी। पोर्टल तो गाइस मेरे को अपना मिल चुका है, सामने ही है पोर्टल। ये देखो ना वही जगह जहाँ पर हम लोग एंडरमैन को मार रहे थे, मैंने डर्ट का वो बनाया था ना, ये रहा, ये देखो ये रहा। बट इधर फाइट करने कोई फ़ायदा नहीं है ना, मतलब इधर अभी मतलब नॉर्मल वर्ल्ड जाने कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि एंडरमैन को मार के हमने पर्ल्स नहीं लिए। जब तक अपने पास पर्ल्स नहीं रहेगी, वो देखो वो रहे मेरे कोबलस्टोन, मैं यहीं से आया हूँ, मतलब वो तो पता ही चल गया होगा आपको। बट हाँ अरे मत परेशान कर यार, चले जब मार मूर दूंगा अभी। ये पिटी इसको हटा आप साइड, आ जा तू निकाल इसे, वो ही मारूंगा इसके मुंह पे ही। गई है, एक ही पड़ेगी इसके हेड शॉट ही दिया सीधा, कह रहा हूँ चले जा मार मूर दूंगा अभी। किधर 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 जाना था, इधर इधर लास्ट टाइम इतने सारे चार चार एंटरमैन पता नहीं क्यों स्पॉन हो रहे थे, अब एक भी स्पॉन नहीं हो रहा है। मैं खुशी खुशी वापस आ गया बिना कुछ ब्लू बायम वायम ढूंढने, मैंने कहा चल यार वहाँ चल के एंडरमैन मारेंगे क्योंकि अभी एंडर ड्रैगन तक पहुँचने के लिए हमें एंडरमैन मारना ही पड़ेगा। या फिर नहीं नहीं, या फिर क्या भाई, एंडरमैन ही मारना पड़ेगा। ओए गोल्ड पहन रहा हूँ, 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 गोल्ड नहीं पहना था मैंने, गोल्ड बूट, गोल्ड बूट, गोल्ड पहने। ये देखे देख, चेक कर ले, चेक कर ले कहाँ है वो, चला गया। अब बोल पागल, चेकिंग हो गई थी भाई अभी, भाग के गया हूँ गोल्ड बूट पहनने। हाँ सामने की तरफ में चलते, एक घास टोर टपक गई, मैं तो फोर्ट्रेस पे वापस आ गया। कौन सी जगह भाई, अरे तू लड़ ले पहले, ले पागल लग रही है भाई, स्ट्रेट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा यार आज, टाइमिंग का दिक्कत हो रहा है क्या हो रहा है। हाँ नहीं अच्छा निशाना मैं गलत रख रहा था, ये आया
फिर से मिस हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है। हट बे, लड़ना ही नहीं, बोर हो रहा हूँ। गाइस गाइस गाइस, पिगलिन ट्रेड ब्रो, पिगलिन के लिए गोल्ड बहुत इकट्ठा करना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गोल्ड इकट्ठा करना पड़ता है, समझ रहे हो। अभी इतने से कुछ नहीं होने वाला। कितना गोल्ड है? 14 गोल्ड है ना, हो सकता है काम है। 14 गोल्ड लेके घूम रहा हूँ मैं, मेरे को लगा 5-10 है। ले जल्दी ले यार, ट्रेड कर दे दे यार, एंडर पल दे दे भाई ने, 5-6 ये ले और ले। कितना क्या दिया, क्या दिया इसने, कुछ पता नहीं क्या दिया, मेरे को पता ही नहीं चला। ये ले ले सारा गोल्ड ले ले, और ट्रेड कर करके बढ़िया माल दे दे, मैं चुपचाप बैठ के। चलो पोशन ऑफ फायर, अच्छा पहले भी इसने यही दिया था, नाइस। और देखते हैं क्या देता है, फायर रेजिस्टेंस दोबारा। पागल हो गया क्या, तेरे पे एक ही माल है क्या, क्या जेब काट के भागा है क्या, ऐसे जा रहा है। ओए तू नहीं लेगा, ओए तू निकल ले यहाँ से। क्या दिया, ग्रेवल। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। कहाँ गया वो, गोल्ड कितने है यार, ये ले भाई ढाई से, जल्दी जल्दी जल्दी। ये नकली है यार, इंटरपल नहीं दे रहा है, बहुत रेयर होता पता है इंटरपल भी। गोल्ड एरो ये ले। और कोई है क्या आसपास, उससे ट्रेड करता हूँ मैं, ये बेकार है। दे दे एंडरपल, नहीं ये ले उठाए से। इतना सोच रहा है, हाँ लेदर के चबाऊंगा मैं उसको, उठाए से। तो तू कहाँ से आ गई, वे रुक जा मैं उससे निपट रहा हूँ, तू ट्रेडिंग कर। इधर आ, तेरी पैंस की कहाँ गया वो, गिरा ये ले। ओ मरी नहीं, तेरी कहाँ गया, रुक जा रुक जा रुक जा। क्या दिया, ओए ओए मत कर, ये ले गोल्ड। ओ क्या हो गया, फिर क्या क्या भाई, यार इतना टाइम खराब, एक ही जगह खड़े हो जाए, दिमाग खराब पूरे में नाच रहा है, मेरे को भी घूमना पड़े। इधर खड़े रहे, अब मत बाहर निकल, ये ले अंदर रहे। क्या दिया, एरो दिया है, देते जा माल। क्या दिया, पानी दिया है, पानी पी पुआ के इसके मुंह पे बोतल फेंक के मारूं कांच की, ये ले तेरी भैंस की। अबे यार इन पे कुछ नहीं होता गाइस, कम से कम 25-30 स्टैक इनके साथ वो करूँगा ना तब मिलेगा कुछ। घास टीयर मिल गया इतना सारा, नहीं आयरन एगेट है सॉरी। बस हो गया, तू निकल यहाँ से। और है क्या, और नहीं है ना, नूबड़ा 14 गोल्ड मेरे वेस्ट करा दिए इसने। गाइस 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 गाइस, आज की वाली स्ट्रीम यार यहीं पर एंड करनी पड़ेगी। सोच रहा हूँ नेक्स्ट स्ट्रीम में हम लोग इसे यहीं से कंटिन्यू करें, क्योंकि यार मेरे को जैसा कि मैंने भी बताया एक और लाइव स्ट्रीम करने जाना है, मज़ा आएगा, आप लोग वहाँ पर भी आना। मैं इंस्टाग्राम पर बता दूंगा किधर करें, और एक मस्त आपका फेवरेट गेम होने वाला है, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से पिछले 3-4 महीने से इंतज़ार कर रहे थे, वही गेम खेलेंगे और मज़ा आएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको इंस्टाग्राम पर जल्दी से, फिलहाल अभी चलते क्योंकि मैं जाना तो थोड़ी देर में है, बट क्या है कि यार खाना भी खाना होगा ना। अभी मैंने ब्रेकफास्ट करा था, फिर उसके बाद मैं लाइव पे बैठ गया, बट फिर अभी मेरे को पता चला कि हाँ वहाँ जाना पड़ेगा, लाइव करनी है, मज़ा आएगा आज वहाँ भी। तो यहाँ पर भी एंड करते हैं। सॉरी गाइस, मेरा बहुत मन है, मैं यार मतलब क्या बोलूँ, इतना मस्त चल रहा है आज तो भाई, मतलब क्या मज़ा आया। हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। जब तक के लिए इसको बंद, मूव होते हैं अपनी वापस इंटरमिशन पे। ओ मजा आया भाई, बाकी सभी लोग को थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा यार, काफ़ी अच्छे 7 मिलियन हो चुके हैं, और 10,000 लोगों ने और कर दिया उसके बाद भी, लव यू गाइस। बाकी जिसने भी अभी तक नहीं करा कर दो, मजा आने वाला है आपको भी आगे। आर्यन भाई थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर। प्रतीक भाई थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। व्हाट्सअप सौम्य वाईटी वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। हे शिवम, हे जयंत, हे साइलेंट क्वीन, हे व्हाट्सअप द गेमर स्टेक भाई, आप GTA 5 का वीडियो कैसे बनाते हो और कहाँ से मोड डाउनलोड करते हो? मोड तो आपको पता ही, GTA 5 मोड्स करके एक वेबसाइट है, बाकी मैं इतने ज़्यादा मोड्स नहीं डालता, नॉर्मल एक ही मोड है आपको पता जो फेमस है मेन्यू, वही यूज़ करते हैं। बाकी अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि क्या स्टोरी लाइन है, कहीं से बनाते नहीं, खुद के माइंड से ही जो है वो है। बाकी अगर आपको सीखना है, आप ट्यूटोरियल्स बहुत यूट्यूबर्स ने डाल रखे हैं, आप देख सकते हो उन्हें। हैकर्स स्क्वाड थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। और उसके बाद डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी कि आप कैसा बना सकते हो, कितना सोच सकते हो। सेंटिनेरियो गेमिंग वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। एंड सेंटिनेरियो लैम्बोर्गिनी से नाम रखा है ना, लैम्बोर्गिनी सेंटिनेरियो अच्छा लग रहा है लेकिन ना, सेंटिनेरियो गेमिंग इसका मीन क्या होता है, ये शायद इंग्लिश वर्ड नहीं है, पता नहीं कौन सा वर्ड है बट ये इंग्लिश नहीं है शायद। ब्रदर्स व्लॉग सर प्लीज़ शाउट आउट दादी, दादी को शाउट आउट। बाकी चलो यार
मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में। मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ इसलिए डेली लाइव आऊँ, मजा आते रहेगा ऐसी, तो कोशिश करूंगा कल भी लाइव स्ट्रीम करे, परसों भी करे और रोज करे, ठीक है। बाकी इस वीक में लगातार लाइव हुई है, बस कल मैं नहीं कर पाया क्योंकि कल मैं थोड़ा एक गेम खेलने लग गया था आके, वैसी फिर थोड़ा वैलो वगैरह खेली। एंड राजवीर चावला वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, एंड राजशेखर हाय भाई कैसे हो, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। और आज की लाइव स्ट्रीम कितनी देर की हो गई भाई, हम लोग 2 घंटा कंप्लीट करके चलते हैं, चलो 3 मिनट और रह गए हैं, 3 मिनट बैठ जाते हैं बातें करते हैं फिर उसके बाद एंड करके चलेंगे। माइनक्राफ्ट सरप्राइज बता दिया था ब्रो मैंने, आशु मोहम्मद ओवेस भाई शाउट आउट माय नेम, मोहम्मद ओवेस भाई शाउट आउट टू यू। वैलोरेंट यस विशाल गेमिंग कल ही रात को खेल रहा था, थोड़ा रेंज शूटिंग रेंज प्रैक्टिस खेल रहा था, मतलब प्रैक्टिस कर रहा था। भाई अपना हीरो ब्रांड ऑन करो प्लीज महेश भाई, जल्दी होगा टेंशन मत लो, करेंगे करेंगे। बाकी यार आज मजा आया काफी खेल के, मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया गया। फोर्ट्रेस का टेंशन था, मेरे को फोर्ट्रेस मिल गया, एंडर पर्ल मेरे को लग रहा था मिल जाएगा, कितने सारे एंडरमैन स्पॉन हो रहे थे ना वहाँ पे, मेरे को लग रहा है यहाँ पर ऐसे होते रहेंगे। उस टाइम तो भाई कम से कम 6 एंडरमैन स्पॉन हुए थे, वापस आया हूँ एंडरमैन का टांग तक नहीं दिखी है दूर दूर तक। मैं खुश हो गया था, मैंने कहा सुबह में कब से होने लग गए भाई, कोई बात नहीं हो रहा तो मारते हैं इन्हें, मारा और 4 एंडरपर्ल थी टोटल। मेरे को पता है एंडरपर्ल कितनी इकट्ठी करनी है, 10-20 एंडरपर्ल इकट्ठी करनी है, जो कि मुझे ब्लू बायोम से मिल जाएगी, वो भी इतना हार्ड नहीं है, बट ब्लू बायोम जो होती है उसे ढूंढना हार्ड है। क्या कहते हैं उसे, रैप्ड फॉरेस्ट, ब्लू बायोम को कौन सा बायोम बोलते हैं गाइस, रियल नेम उसका माइनक्राफ्ट लैंग्वेज में, ब्लू बायोम तो मैंने उसका नाम रख रखा है। एक तो होता रैप्ड नहीं होता, वॉब्ड होता शायद, वॉब्ड WARPED होता शायद, हाँ वॉब्ड प्रोनाउंस करेंगे इसे, मैं छोड़ो ना इसे रेड ब्लू बायोम यही प्रोनाउंस करेंगे, नेदर की रेड बायोम ब्लू बायोम। कितने टाइप के बायोम होते हैं रेड नेदर में, जल्दी गाइस चैट बताएगी कितने टाइप की बायोम होती है नेदर में। मॉन्यूमेंट तो 2 होते हैं, फोर्ट्रेस और बैस्टियन, और कुछ होता है नहीं, हाँ और कुछ नहीं होता, मॉन्यूमेंट 2 होते हैं, मॉन्यूमेंट ही बोलेंगे इन्होंने, हाँ मतलब जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो 2 होते हैं, WARPED रॉब्ड फॉरेस्ट, और रेड वैली को क्या बोलते हैं, काफी सिमिलर सा नाम होता है जहां तक मुझे पता है। व्हाट ग्रीन स्क्रीन सॉफ्टवेयर डू यू यूज, ग्रीन स्क्रीन नहीं है ये तो, एनवीडिया का ही GeForce वाला है, आपको पता होगा एनवीडिया, एक सेकंड में नेम ही रीड करके बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या नेम है इनका, एनवीडिया ब्रॉडकास्ट सिंपल, इसमें ऑप्शन आता है, मैं ग्रीन स्क्रीन लगाऊंगा तो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी, बट उसे लगाना हटाना लगाने हटाने वाला काम थोड़ा वो है, तो ये इसमें भी अच्छा हो जाता है, इतना कुछ वो नहीं है। अर्णव जायसवाल, अर्णव जामवाल भाई वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, आर स्टाइल गेमिंग कैसे हो भाई वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, व्हाट्सअप बॉय गेमर हाउ द गेमर्स टेक GTA 5 स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं, यस ब्रो स्ट्रीम नहीं स्टीम भाप आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से, स्टीम से कर लो, हाँ अच्छा है। बर्थडे हो गया आपका, हाँ भाई अमरजीत भाई एकदम मस्त रहा, मजा आया, काफी सारे विश आए आपकी तरफ से, बहुत अच्छा लगा सब लोग की तरफ से। स्मित पटेल भाई कैसे हो, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, प्लीज शाउट आउट ओपी मैंगो गेमिंग, ओपी मैंगो गेमिंग शाउट आउट टू यू। क्रिम्सन गैस क्रिम्सन बायोम, टोटल 5 होते हैं ठीक है, कोई 6 लिख रहा है, कोई 4 लिख रहा है, कोई 5 लिख रहा है, अगर मैं देखूं मेरे को सबके नाम नहीं याद, बट इतना मेरे को पता है एक जो पत्थर पत्थर वाला होता है बेसॉल्ट वाला, जिसमें ऐसे बीच बीच में लावा रहता है, ऐसे खड्डे खड्डे रहते हैं, एक वो होता है, एक नॉर्मल रेड वाला रहता है नेदरैक बायोम, एक होता है बेसॉल्ट वाला, एक होता है नेदरैक वाला, एक रैप्ड होता है, क्रिम्सन होता है, 4 हो गए, पांचवा कौन सा है, ओ हाँ पांचवा सोल सैंड वाला होता है, पांचवा सोल सैंड वाला होता है, जिसमें देखो एक होता है नेदरैक, उसका अपोजिट होता है सोल सैंड वाला, और एक होता है रैप्ड फंगस वाला, हाँ 5 हो रहे, छठी कौन सी है यार, कौन सी मैंने मिस करी है बताओ, 5 है भाई, 6 तो नहीं है, 5 है 4 भी नहीं है, 4 तो 5 तो मैंने बता ही दिए जितनी मेरे को पता है, नाम नहीं याद बट मेरे को अच्छे से पता है कौन कौन से होते हैं, एक बेसॉल्ट वाली रहती है, एक नेदरैक वाली रहती है, एक सोल सैंड सोल सॉइल जिसमें होता है पूरी प्लेन सी होती है, बोन के ब्लॉक पड़े होते हैं बीच बीच में, वो वाली होती है जिसमें घास बहुत ज़्यादा आती है वो, तो ये 3 हो गई, और एक दोनों रैप्ड वाली ब्लू और रेड, 5 होती है, यस अभी शायद मैं करेक्ट हूँ। चिराग गेमर्स देर आर 5 बायोम्स, एंड मेरा एक चैनल है जो कि गेम्स की वीडियो भी
जो भी गेम्स की वीडियो देखनी है वो जाके देख लो अराउंड। ओके चिराग गेमर शॉर्ट आउट, एंड थैंक यू सो मच। हाँ पाँच ही होती है यस, मेरे को नाम नहीं याद, मेरे को भी याद आ गया था। वहाँ दूसरी स्ट्रीम किस पे आज? जिमी भाई मैं आपको इंस्टा पे बता दूंगा, हाँ इंस्टा पे मैं अपडेट कर दूंगा कि कहाँ पर दूसरी स्ट्रीम होने वाली है। अभी थोड़ी देर में आऊँगा, 6 बजे के आसपास, 6 बजे ही आऊँगा। तो फिर चलो यार मिलते हैं तभी, तब तक के लिए गुड बाय। वेट वेट वेट, एक मिनट एक मिनट, म्यूजिक सेट नहीं करा फिर अभी बजेगा नहीं। या देखो मैं वही वाला म्यूजिक चलाऊंगा एंड में भी दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता वाला म्यूजिक। कहाँ गया ये रहा, हो गया होगा, प्ले करते हैं गाइस। रेन सिमुलेटर क्या हुआ, करेंगे यार रेन सिमुलेटर। जब तक के लिए सबको बाय बाय यार, इस बारे सच्ची वाला बाय बाय, म्यूजिक सुन के जाना मजा आएगा। चलो टाटा गाइस बाय।